गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आपको याद होगा तो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, और मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें आप एडवर्स वेरिएंस ले रहे हो, मे बी 5% एडवर्स वेरिएंस, 10% जो भी क्वेश्चन मिला रहेगा वो क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। जमा आपको सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स उसमें, कुछ क्वेरी? कितने लोगों ने सिर्फ देखा है सॉल्व नहीं किया? अच्छा, कितने लोगों ने सिर्फ देखने की कष्ट नहीं की, देखने का भी कष्ट नहीं किया? हो गया ना ऐसे, हाथ ऊपर करो बिंदास। हाँ क्यों, वक्त नहीं है अपने पास, सारा वक्त इसी को देना है? आर्टिकलशिप चल रहा है क्या, तो टॉर्चर चल रहा है या सीखने मिल रहा है? टॉर्चर चल रहा है, बापरे। कोई नहीं कोई नहीं, जज्बाती मत बनो, इट्स ओके। अपने साथ जो वो अपन आगे आर्टिकल्स के साथ नहीं करेंगे, है ना, उनको एटलीस्ट अच्छा माहौल देंगे अपन। ऑब्वियसली एवरीबॉडी ऑफ यू राइट, वी हैव टू चेंज द सिनेरियो, ऑल ऑफ यू नो द सिनेरियोज ऑफ आर्टिकलशिप, द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिकलशिप। एंश्योर दैट यू विल नॉट डू दिस विथ योर आर्टिकल्स, ठीक है? यू विल गिव देम अ वेरी गुड माहौल टू लर्न, रिमेंबर ऑलवेज दे आर स्टूडेंट्स। वैसे तो एनीवेज मुझे लगता है कि आपने ये सॉल्व करना चाहिए रिस्पेक्ट ऑफ एनी गिवन सिचुएशन। इनफैक्ट तुझे सिचुएशन बदलना है, तुझे जल्दी सीए बनना पड़ेगा ना, तो तुझे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो भाई इंस्टीट्यूट की कोई पोस्ट वोस्ट पे आ जाना, कुछ रूल वूल बना देना ऐसा कुछ, ठीक है? तो बाकी सब लोगों ने सॉल्व किया, प्रॉपर सॉल्व किसने किया? जमा अच्छे से नहीं, ईयर्स का नहीं होता, ईयर्स का फिर प्रोपोर्शनेट कैश फ्लो लेना पड़ता तुमको, और फिर कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रोपोर्शनेट कैश फ्लो निकालने के लिए वापस से वही लॉजिक कि 12 मंथ्स में इतना तो इसमें कितना, या 1 ईयर में इतना कैश फ्लो तो 0.85 मंथ ईयर में कितना, ऐसा करके प्रोपोर्शनेट कैश फ्लो लेके फिर एनपीवी निकालना पड़ता है। वो भी पॉसिबल है, बट वो जनरली नहीं करते फिर। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%, हाँ मतलब तेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था गिवन क्वेश्चन में? 10 था, 10 का 5% कितना होता है 0.5, तो 10.5 लेना चाहिए तुम्हें। नहीं वैसा नहीं रहता है, अगर 5% बोला है सब जगह 5% यूज होता है, एक जगह 10% नहीं हो सकता। हाँ क्वेश्चन दिखा दो मुझे बाद में, रेस्ट ऑफ यू। तो मैं आपको एक जस्ट एक सॉल्यूशन दिखा दो, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, जिन लोगों ने देखा नहीं अच्छे से देख लो। ये देखो ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये मेरा बेस है, दिख रहा है क्या, ये मेरा बेस है। बेस के केस में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट दिया, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड्स है, रेंट है, मैनेजर सैलरी है, प्रॉफिट पर यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, नेट कैश फ्लो है मतलब इंटरिम कैश फ्लो, फिर पीवीएफ से उसे मल्टीप्लाई कर प्रेजेंट वैल्यू पे लाकर उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस किया, तो ये आ गया अपना एनपीवी, ये आ गया अपना बेस ईयर का एनपीवी, करेक्ट? ये अपना बेस ईयर का एनपीवी है। इसके बाद अगर इनिशियल कैश फ्लो जो है, इनिशियल कैश फ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट, वो तेरा जो अभी है इन्वेस्टमेंट वो कितना है 2,50,000 है, उसको बढ़ा दिया अपन ने, कितना हो गया 2,75,000, इसका मतलब कितने से बढ़ाया तुमने उसको, 10% से बढ़ाया, बराबर ना? 10% एडवर्स वेरियंस चल रहा है इसका मतलब इधर सब जगह, ठीक है? तो फिर ये बाकी एलिमेंट्स पूरे सेम है, ये देखो यहां तक आंसर पूरा सेम है, सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज कर कर ये आप गया नया एनपीवी, ये आ जाएगा। कैलसी लीजिए सब लोग अभी, ये आपका नया एनपीवी है, ये आपका ओल्ड एनपीवी है। अब जरा परसेंटेज चेंज इन एनपीवी निकालिए, 1,01,667 का न्यू एनपीवी माइनस 1,26,667 का ओल्ड एनपीवी डिवाइडेड बाय 1,26,667 इनटू 100, तो नेगेटिव 19.74 आ गया क्या? सर नेगेटिव क्यों लिखते सर उसको, वो एडवर्स है ना, तो उससे एनपीवी घटता है। आया बात समझ में? उसी सेम तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो सेलिंग प्राइस था 22 रुपीज का, उसको 10% से कम करना है। लो कैलसी 22 माइनस 10% करो, आया क्या 19.8। उससे आपने पूरा कैलकुलेशन करके ये आपने प्रॉफिट पर यूनिट निकाला जो 6.5 आ रहा है,
फिर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो नेट कैश फ्लो चेंज हो गया, इससे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चेंज हो गया और आपका नया एनपीवी आया। अब फिर से वही करना है आपको जो कैलसी पे आपने किया है, 31,418 माइनस 1,26,667 डिवाइड बाय 1,26,667 इनटू 100। एवरीबॉडी डू इट। आया आपका 75% चेंज आया क्या? इसी सेम तरीके से क्या क्या चेंज किया देख लीजिए, मटेरियल कॉस्ट चेंज कर दिया, लेबर कॉस्ट चेंज कर दिया, वेरिएबल ओवरहेड्स चेंज कर दिए, 10% से बढ़ा दिया सब जगह, रेंट बढ़ाया 0.8 की जगह 0.88 मतलब 10% से बढ़ा दिया, मैनेजर का सैलरी भी बढ़ा दिया 0.5 की जगह 0.55। तो ऑब्वियसली अब ये सब चीजें ऐसे चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आपका एनपीवी चेंज 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 होते रहेगा, ये परसेंटेज चेंज इन एनपीवी आएगा। न्यू एनपीवी माइनस ओल्ड एनपीवी डिवाइड बाय ओल्ड एनपीवी इनटू 100 करेंगे। आपको सबसे ज्यादा चेंज कहां दिख रहा है? 75.2 में सेलिंग प्राइस पर यूनिट में। तो हम क्या बोलेंगे कि सब जगह इक्वल चेंज किया अपन ने, मगर फिर भी ज्यादा चेंज इन एनपीवी कहां आया? सेलिंग प्राइस में आया। तो इसका मतलब कंपनी ने उसको सबसे ज्यादा सेंसिटिव फैक्टर मानना चाहिए और उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। गॉट इट? एनी डाउट? परफेक्टली अंडरस्टूड? तो इस तरीके से सेंसिटिविटी एनालिसिस दूसरे तरीके से ये तरीके से निकलता है। फर्स्ट तरीका क्या था? एक वेरिएबल को चेंज करो इतना कि एनपीवी जीरो हो जाए, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लो। उस केस में पूरा उल्टा लॉजिक था, क्योंकि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो ऑब्वियसली जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे ज्यादा रहेगा उसका सेंसिटिविटी सबसे कम रहेगा, जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे कम रहेगा उसका सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा रहेगा। यहां पर जिसका परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा है उसका सेंसिटिविटी ज्यादा है। आई होप यू आर कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग रादर देन मगअप। तो ये था आपका प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग है ये। बोलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई शक? अब हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ। आज 10th चैप्टर पे जाएंगे, लास्ट में डिविडेंड डिसीजन पे जाएंगे, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 10 पे आ जाइए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे आइए, पेज नंबर 50, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। Yes, my friends. Chapter 10. Management of Working Capital. ठीक है। What exactly is management of working capital? इसमें actually यूनिट से अलग 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 यूनिट से ICA का अगर स्टडी मैट आप देखोगे तो आपको समझेगा कि इसमें यूनिट्स में पहला यूनिट आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें जनरल मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आता है। सेकेंड आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब ही डेटर्स प्लस BR, बिल्स रिसीवेबल। देन नेक्स्ट यूनिट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। फिर नेक्स्ट यूनिट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री जिसको हम यहां कवर नहीं करते, कॉस्टिंग में कवर होता है वो, मालूम है आपको, EOQ रीऑर्डर लेवल ये सब चीजें। और लास्ट मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मैनेजमेंट ऑफ कैश, मेनली कैश, कैश मैनेजमेंट। तो
ये हमारे पांच यूनिट्स है, इन पांच यूनिट्स में से सबसे ज्यादा वेटेज जो आता है वो आता है फर्स्ट यूनिट को, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को। ठीक है, तो ये पांचों यूनिट हमको कवर करने हैं, हम कवर करेंगे नो डाउट। ठीक है, इसके बेस्ड हर एक के बेस्ड आपके एफएम क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस भी दिए, बहुत अच्छे अच्छे, जरूर सॉल्व करना। ठीक है, कुछ ना समझे तो मेरा वीडियो रेफर करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हो, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बोला रेलेवेंट पार्ट पर जाइए, उतना उतना सुनिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, और एफएम क्वेश्चनियर का सॉल्यूशन बुक रेडी कीजिए, पूरा खुद सॉल्व किया और सॉल्यूशन बुक रेडी कीजिए, और बुक नहीं तो रफ पेज का तो आइडिया मैंने आपको दिया ही है, बस क्वेश्चनियर बुक का सॉल्यूशन अपने स्टाइल में आपको सॉल्व करके निकालना है। क्वेश्चनियर बुक सॉल्व कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया प्रॉपरली फुल फ्लेज्ड, वेरी गुड। तो क्वेश्चनियर बुक सॉल्व करने का बहुत सिंपल लॉजिक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का, आंसर देखने का नहीं, खुद के स्टाइल से अपने स्टाइल से सॉल्व करेंगे उसको, और फिर फाइनल आंसर अगर उनका 186 है अपना 186 से आगे बढ़ जाइए, उनके सॉल्यूशन के तरीकों को मत देखिए, वहां पे जो मैंने क्वेश्चनियर बुक में सॉल्यूशंस दिए वो अपने तरीके नहीं है, तो प्लीज अपने तरीके से उसको सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, जहां पर भी डाउट डिफिकल्टी कुछ भी लगे, आपका आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो थोड़ा सॉल्यूशन को देखने की कोशिश कीजिए, नहीं समझता है सीधा मेरे वीडियो पे जाइए, उतना उतना पार्ट देखिए और आगे बढ़िए। आपको मैं बता रहा हूं, आप अगर पास होना चाहते हो ना पास, तो आपको क्वेश्चनियर बुक सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बगैर तुम भूल जाओ। तो जो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किया, कोई मुहूर्त वहूर्त का वेट कर रहे हो आप, सही ढंग का सही टाइम का, कौन नहीं सॉल्व किया अभी तक क्वेश्चनियर बुक, सबने स्टार्ट कर दिया, मॉड्यूल सॉल्व करो, हाँ ठीक है मॉड्यूल सॉल्व करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मॉड्यूल के साथ बगैर तुमको एमटीपी आरटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनियर बुक, इट्स नॉट ओनली मॉड्यूल। और मॉड्यूल में सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बहुत लेंदी है, मैंने उसे क्वेश्चनियर बुक में इंक्लूड नहीं किया जानबूझकर, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो एग्जाम में आप सॉल्व भी करो, बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर रहेगा कि वो क्वेश्चंस भी आप छोड़ दो जब आप सॉल्व करोगे खुद से मॉड्यूल। ठीक है, बट एमटीपी आरटीपी, और वो भी कितने अटेम्प्ट का, 3 अटेम्प्ट का। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद दिस वंडरफुल वंडरफुल टॉपिक विच कम्स एवरी टाइम इन एग्जामिनेशन फॉर 10 मार्क्स मिनिमम एंड मैक्स टू मैक्स 15 मार्क के लिए आता है। ठीक है, 10 से 15 मार्क का वेटेज हर बार एग्जाम में ये कैरी करता है, नो डाउट हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स ज्यादा है नो डाउट, बट वी डोंट हैव एनी चॉइस। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ कंपनी इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्किंग, यू कैन से कैपिटल इन द बिजनेस, वन इज लॉन्ग टर्म द अदर इज शॉर्ट टर्म। द कैपिटल विच यू इन्वेस्ट फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ कंपनी इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल एंड विच इज नथिंग बट फॉर्मूला वाइज इट्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं, आप भी लिखते जाइए मेरे साथ साथ। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कुछ थियोरेटिकल पार्ट है वो भी मैं आपको कवर करा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में वो आ जाए तो आपको लिखने आना चाहिए। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर, based on concept there are two types, one is called gross working capital, the other is called as net working capital. based on concept gross working capital, net working capital, matlab kya hua abhi, what is the meaning, what is the meaning, tell me, करंट एसेट्स इज ओनली करंट एसेट्स, यस ओनली करंट एसेट्स इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट नेट वर्किंग कैपिटल, माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे ना, तो यहां पर ओनली करंट एसेट्स आता है और यहां पर आता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्यूट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, वो लोग आपको करंट लायबिलिटी भी देते,
फिर तुम उनकी पूरी इज्जत करते हो, पहले मन नहीं करता लेने का, पूरा आंसर रेडी हो जाता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपने लिख भी दिया, कर इज इक्वल टू करंट एसेट्स, आंसर भी निकाल लिया, फिर मन ही नहीं मानता आगे के क्वेश्चन पे जाए, बराबर उसमें से माइनस करंट लायबिलिटी करते हो, गिवन नंबर को माइनस कर देते हो, फिर मन को शांति होती है, फिर आगे बढ़ते हो। मतलब पर्पज उनका सॉल्व हो गया है ना, फुल रिस्पेक्ट, जो देंगे सब नंबर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये लोग आपको जानबूझ के इतने इजी क्वेश्चन ऐसे देते, और ये करंट लायबिलिटी जानबूझ के मेंशन करते आपको उधर। आप ये मत सोचो कि आपके क्वेश्चन में जो दिया है सब बराबर उन्होंने उतना ही सटीक दिया जितना आपको यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बहुत बार देते हैं, और ये तो इंटर है, फाइनल में तो बहुत ज्यादा देते हैं, समझे? तो मेक इट अ हैबिट कि ऐसा हर इंफॉर्मेशन यूज नहीं होता है। बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर वी कैन सी देर आर टू टाइप्स। नंबर वन इज कॉल्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और इसका दूसरा नाम है कोर वर्किंग कैपिटल, एंड सेकेंड आता है आपका फ्लक्चुएटिंग और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट और कोर वर्किंग कैपिटल। तो ये ऐसे चार टाइप के वर्किंग कैपिटल आते हैं, फोर टाइप्स। व्हाट इज दिस परमानेंट और कोर वर्किंग कैपिटल? द कैपिटल विच यू रिक्वायर ऑल द टाइम इन द बिजनेस। ऑल द टाइम इन द बिजनेस मतलब कुछ भी टाइम हो, सीजन ऑफ सीजन वॉट एवर, ऑल टाइम ये आपको वर्किंग कैपिटल लगने ही वाला है, इसको बोलते हैं परमानेंट। और फ्लक्चुएटिंग जो रहेगा वो सीजनल इफेक्ट की वजह से कम ज्यादा होता है, सीजनल इफेक्ट की वजह से उसका इम्पैक्ट आता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो सीजनल इफेक्ट इसमें आते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। अगर मेरा मेन सीजन चल रहा है ऑब्वियसली मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मेरे स्टॉक लेवल्स बढ़ जाएंगे, मेरे डेटर्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़ जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली दिस इज वॉट टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जो बढ़ रहा है, वापस ऑफ सीजन आएगा तो कम हो जाएगा। बट कुछ भी हो जाए एक मिनिमम अमाउंट हर वक्त बिजनेस में लगेगा ही लगेगा, उसे हम बोलते हैं परमानेंट। ठीक है, सीजन के बाद ऐसे शॉप या बिजनेस बंद नहीं रख सकते ना अपन, अब बहुत बिजनेस कम होगा चलो 8 दिन बंद रख देते, नॉट पॉसिबल ना, तो दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट और कोर। समझ गए यहां तक? अब इसके बाद देर आर थ्री यू कैन सी अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये डायग्राम देखोगे तो आपको समझ जाएगा, ये आपका वर्किंग कैपिटल, ये उससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल, ये सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल, ये आपका आउटपुट है। क्या लग रहा है आपको? सबसे कम इन्वेस्टमेंट किसमें है? सबसे नीचे वाली लाइन में। सो दैट इज कॉल्ड एज अग्रेसिव पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल का कौन सा पॉलिसी है? ये अग्रेसिव पॉलिसी है। तो फिर ये जो सबसे टॉप पे है जहां पे आप वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कर रहे हो, इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी। और ये इन दोनों के बीच वाले को हम बुलाते हैं मॉडरेट पॉलिसी। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के तीन पॉलिसीज होते हैं आपके। सबसे कम इन्वेस्टमेंट, यहां पर लिक्विडिटी सबसे कम होती है और प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों लिक्विडिटी कम क्यों होगी? क्योंकि तेरा इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कम है, तो करंट असेट्स कम है ना, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कम है मतलब करंट असेट्स भी कम है, तो लिक्विडिटी क्या होगा? कम रहेगा ऑब्वियसली। फिर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहता है, फिर उस केस में लिक्विडिटी जितना कम प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज्यादा। लॉजिक क्या है उसका? अगर आप लिक्विडिटी को कम रखोगे तो करंट असेट्स के लेवल्स भी कम रहेंगे, इसका मतलब ओवरऑल वर्किंग कैपिटल कम आपने रखा है, जरूरत से कम आपने वर्किंग कैपिटल रखा है। और अगर वर्किंग कैपिटल कम रखा है इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल का लोन जो आपको बैंक से वगैरह लेना पड़ता है वो भी कम लिया है, या सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन पैसा खुद का कम डाला है, तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल लोन कम रहेगा तो इंटरेस्ट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा ना। अगर खुद का पैसा डाला रहेगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लिक्विडिटी कम प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है आपको एग्जाम में।
कंजर्वेटिव पॉलिसी में क्या होता है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब आप ज्यादा वर्किंग कैपिटल रख रहे हो, मतलब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मॉडरेट के केस में ऐसा, रीजनेबल, मॉडरेट का मतलब होता है रीजनेबल, तो लिक्विडिटी भी मॉडरेट है और प्रॉफिटेबिलिटी भी मॉडरेट ही चलती उधर, समझे कि नहीं? एनी डाउट ड्रॉ कर लो फटाफट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज, जिसमें तीन पॉलिसी आते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। एग्रेसिव में लिक्विडिटी कम है, एग्रेसिव मतलब रिस्क ज्यादा ले रहे हो आप, टू अर्न मोर प्रॉफिट यू आर टेकिंग मोर रिस्क, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव। उसमें प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए तुम लिक्विडिटी को कम रख रहे हो। डन, नीचे का पार्ट लिखा लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी का, तो बस एग्जैक्टली रिवर्स होगा इन केस ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिसी। आप वहां पर फर्स्ट पार्ट में कंजर्वेटिव में लिक्विडिटी को ज्यादा रखोगे, ऑटोमेटिकली एरोज जो है वो चेंज हो जाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है? तो आप अकॉर्डिंगली शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो एग्जाम में फिर। तो ये था कुछ बेसिक बेसिक पार्ट। नाउ अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर व्हाट वी डू, we make a five columnar standard format to compute the estimation of working capital. What we do, five columnar systematic format, column number 1 will be serial number, column number 2 will be particulars, column 3 will be yes, column 1 will be serial number, column 2 will be particulars, column 3 will be basis, basis matlab company ka policy, 1 month, 2 month, 15 days, half month, jo bhi aapka current assets, current liabilities ka item hota hai, uska company ka kuch na kuch policy hota hai maintain ka, to wo basis column mein aata hai, fourth column will be computation, jahan pe aap calculation dikhaoge, and last column will be amount rupees, jahan pe aapko final answer likhna hai aapka, har ek component ka। तो इस तरीके से पांच कॉलम का फॉर्मेट बनता है। बोलिए कौन सा पांच कॉलम है? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बेसिस, कंप्यूटेशन, अमाउंट रुपीस, ठीक है? सिस्टमैटिक पांच कॉलम का फॉर्मेट बनेगा। जब आप सीरियल नंबर बोलते हो तो उसमें ए पहले आता है, जिसमें करंट एसेट्स आएगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आइटम रहेंगे वो सब आएंगे, फिर उसका टोटल आ जाएगा, सब टोटल ए, फिर बी आएगा करंट लायबिलिटी, उसके अंदर 1, 2, 3 जितने भी आइटम रहेंगे वो आएंगे, फिर उसका सब टोटल बी आएगा, और लास्ट आंसर आपका सी रहेगा, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, करंट एसेट्स माइनस
करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स के क्या क्या आइटम आते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ऑफ कोर्स जो इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में पूरे वही अज्यूम किया कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, तो उस केस में आपके पास आता है रॉ मटेरियल स्टॉक, फिर आता है WIP स्टॉक, फिर आता है फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिर आएगा आपका डेटर्स, फिर आएगा आपका कैश एंड बैंक बैलेंस, और फिर प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह या एडवांस टैक्स कुछ रहेगा तो वो भी आएगा। करंट लायबिलिटी में आपके पास टिपिकली ट्रेड क्रेडिटर्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस आता है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स आता है, और कोई अगर प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह दिया जाएगा तो वो भी आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये सिस्टमेटिक इतनी चीजें आती है उस केस में, हर एक चीज कैसे कंप्यूट होती है, क्या होती है, वो एक क्वेश्चन लेकर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, यू नो द लॉजिक ऑफ WIP, व्हाट इज WIP, डोंट टेल मी द लॉन्ग फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस, मुझे भी पता है, बट क्या होता है ये, व्हाट इज WIP? हाँ, हाँ, तो इसका लास्ट पार्ट जो तुमने बोला वही सबसे मेन मीनिंग है। WIP इज नथिंग बट ऐसा स्टेज पे आया हुआ आपका स्टॉक है वो, जो कि रॉ मटेरियल स्टेज से आगे है और फिनिश गुड स्टेज से पीछे, उसी को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपके करंट असेट्स में जो वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है, आपको क्या लगता है वो जो कंप्लीटेड पार्ट है वो है या येट टू बी कंप्लीटेड? वो है येट टू बी कंप्लीटेड, मतलब अभी तूने इन्वेस्टमेंट करना बाकी है मगर वो तेरा करंट असेट बन गया, करंट असेट्स में दिख रहा है वो तेरे, मतलब क्या हुआ, कंप्लीटेड पार्ट आएगा, येट टू बी कंप्लीट क्यों आएगा? इनफैक्ट उन्होंने अगर बोला 40% येट टू बी कंप्लीट, मतलब तू ले 60% कंप्लीट, समझा कि नहीं? अब सिर्फ वर्किंग कैपिटल WIP पे डिस्कस एक बार कर लेते हैं। WIP जब हम बोलते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस में तीन पार्ट आते हैं, एक रॉ मटेरियल आता है, एक लेबर या वेजेस आते हैं, और लास्ट में आता है ओवरहेड्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे WIP में 100% रॉ मटेरियल है, 100% लेबर है, 100% ओवरहेड्स है, पॉसिबल नहीं? ये तो फिनिश गुड्स बन गया ना, ऑफ कोर्स इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कुछ ना कुछ आधा अधूरा है, इसलिए वो वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो रॉ मटेरियल कभी भी 100% लेने का, अज्यूमिंग मटेरियल इज इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मटेरियल is issued at the start of processing. अभी अपना फैक्ट्री है, इसमें तुम लेबर हो सपोज, तो तुम किस पे काम करोगे? रॉ मटेरियल पे काम करोगे, इसका मतलब आपके पहले यहां पर रॉ मटेरियल पूरा आना चाहिए ना, तभी आपका काम चालू होगा। यस, तो रॉ मटेरियल इज जनरली टेकन 100%, एंड इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग या कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोसेसिंग या कन्वर्जन कॉस्ट, बिकॉज इट इज द कॉस्ट टू इनकर टू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इन टू फिनिश गुड्स, करेक्ट? तो फिर कुछ नहीं बोला तो ये 50% कंप्लीट है, 50% येट टू बी कंप्लीट है, 50% कंप्लीटेड है, तो इसलिए दोनों जगह 50-50 लिया। कुछ नहीं बोला मतलब तुम्हारा प्रोसेसिंग आधा हुआ है और आधा होना बाकी है। तो दिस विल बी योर जनरल अजम्पशन इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोलता है तुम्हें कि आपका WIP जो है वो 40% येट टू बी कंप्लीट है विद रिगार्ड टू प्रोसेसिंग फीस, प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो ये रॉ मटेरियल कितना लू, 100 लू, और ये दोनों 60-60 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 40% येट टू बी कंप्लीट मतलब 60% कंप्लीट। अगर तुम्हें बोला WIP 70% कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट, 70% कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट मतलब रॉ मटेरियल भी 70 आएगा, ये दोनों भी 70 आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला ऑल एस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट। मगर अगर ऐसा बोल दिया इसी क्वेश्चन में, ऑल एस्पेक्ट लिखा है मगर पहले लिखा है मटेरियल आर इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, अब ये 170-70 हो जाएगा, समझे कि नहीं? अगर ऐसा बोला कि आपका WIP इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, WIP इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट, ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट आता है, तो फिर यहां पर लेंगे 100% रॉ मटेरियल बिकॉज वो डायरेक्ट कॉस्ट है, यहां पर लेंगे 100% लेबर बिकॉज वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और यहां पर ओवरहेड्स आएगा 0 क्योंकि प्राइम कॉस्ट में कभी ओवरहेड्स नहीं आते, WIP इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। सर ये 100-100 ले रहे तो वो WIP कैसे हुआ, अभी तक ओवरहेड्स इनकर होना बाकी है इसलिए WIP है,
मटेरियल आ गया, लेबर ने काम कर लिया, अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होना बाकी है, समझे कि नहीं? तो क्वेश्चन में जो दिया वो लेने का, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो नंबर वन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस का लॉजिक। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस केस में। ऑल ऑफ यू, यू विल कम टू क्वेश्चन नंबर वन। कम टू क्वेश्चन नंबर वन। यस फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ऑफ राजेश लिमिटेड हैज कॉल्ड फॉर अ स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ, अंडरलाइन कर लो इसको, लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 3 लाख यूनिट्स ऑफ आउटपुट फॉर द ईयर। पूरे साल में 3 लाख यूनिट्स का आउटपुट बनने वाला है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट फॉर द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी इज डिटेल्ड बिलो। तो ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया, ये कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कितना लगता है, लेबर कितना लगेगा, ओवरहेड्स कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट 40 होगा, प्रॉफिट 10 का रहेगा, सेलिंग प्राइस 50 का रहेगा। पास्ट ट्रेंड इंडिकेट दैट रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 2 मंथ्स। मतलब कंपनी का पॉलिसी क्या है, रॉ मटेरियल कितने टाइम का स्टोरेज में होता है, 2 मंथ्स का। WIP विल अप्रोक्सीमेट टू हाफ मंथ्स प्रोडक्शन। WIP विल अप्रोक्सीमेट टू हाफ मंथ्स प्रोडक्शन, अंडरलाइन द होल सेंटेंस। मीनिंग क्या है इसका, WIP विल अप्रोक्सीमेट टू हाफ मंथ्स प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? यस, हाफ मंथ का इक्विवेलेंट अमाउंट जो भी है, मतलब हाफ मंथ का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा, इक्विवेलेंट अमाउंट का आपके पास क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। फिर उसमें कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड्स है, आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला WIP विल अप्रोक्सीमेट टू हाफ मंथ्स प्रोडक्शन। मतलब तेरे पूरे साल के प्रोडक्शन कॉस्ट को डिवाइड बाय 12 कर, मंथली आएगा, इनटू 0.5 कर, हाफ मंथली आएगा, और उसको तू बुला ले डायरेक्टली वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। अंडरस्टूड? फिर सर अभी जो बोला था आपने 150-50, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली वो अमाउंट कैसे आएगा वो दिया हुआ है, ठीक है। फिनिश गुड्स विल रिमेन इन वेयरहाउस ऑन एन एवरेज फॉर अ मंथ। तो अ मंथ मतलब वन मंथ बेसिस किसका है, फिनिश गुड्स के स्टॉक का है। सप्लायर्स ऑफ मटेरियल एक्सटेंड अ मंथ्स क्रेडिट, वापस से अ मंथ्स क्रेडिट, फिर एक महीने का बेस किसका हो जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स का हो जाएगा। 2 मंथ्स क्रेडिट इज नॉर्मली अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स का बेसिस है 2 मंथ्स। मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 25,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन। कैश एंड बैंक बैलेंस डायरेक्टली आप बोलोगे गिवन, कितना अमाउंट लिखोगे, 25,000। द प्रोडक्शन पैटर्न इज अज्यूम टू बी इवन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एवरी मंथ यू प्रोड्यूस द सेम क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा नहीं होता है कि किसी महीने में ज्यादा प्रोड्यूस किया और किसी में कम। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिटरमिनेशन, स्टार्ट करें। गिव द हेडिंग स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल डिटरमिनेशन, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन लिखो। याद रखना वर्किंग कैपिटल जो हम निकाल रहे हैं वो कमिंग पीरियड का होता है, वर्किंग कैपिटल जो हम निकाल रहे हैं वो अपकमिंग पीरियड का होता है हर बार। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बेसिस, कॉलम के विड्थ देख लो अच्छे से, कंप्यूटेशन का कॉलम अपने को बड़ा चाहिए बिकॉज वहां पर हम कैलकुलेशन दिखाने वाले, एंड लास्ट कॉलम विल बी अमाउंट रुपीज।
विदाउट स्केल ऐसे स्ट्रेट लाइन मारना सीखो, एग्जाम में टाइम बचेगा तुम्हारा, और अगर नहीं जमता है तो कोई बात नहीं, स्केल इज बेस्ट। स्टार्ट करें, पहला आइटम क्या बोला मैंने आपको सीरियल नंबर में, फर्स्ट आइटम व्हाट वी डिस्कस्ड, करंट असेट्स। तो ए विल बी योर करंट असेट्स, उसके अंदर पहला आइटम आएगा आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक जो आप लिख रहे हो ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, अगर आप उसको करंट असेट्स के अंदर दिखा रहे हो क्लोजिंग स्टॉक है, ये बैलेंस शीट में जो करंट असेट्स के अंदर आता है ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो कमिंग पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं हम लोग। क्या बेसिस दिया है रॉ मटेरियल के स्टॉक के लिए, 2 मंथ से क्या, 2 मंथ्स, तो राइट देयर बेसिस में 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके लिए हम बनाते हैं कॉस्ट शीट, बट नॉट दैट स्टैंडर्ड एकदम फॉर्मेट में कॉस्ट शीट, बट यस वी प्रिपेयर द कॉस्ट शीट और उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ते। तो इसके नीचे आप लिखोगे वर्किंग नोट 1, कॉस्ट शीट फॉर प्रोडक्शन लेवल ऑफ कितना यूनिट्स, 3 लाख यूनिट्स ऑफ आउटपुट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर रुपीस, ये आपका कॉस्ट शीट है, 3 लाख यूनिट्स ऑफ आउटपुट को हम लोग बेस लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट में क्या आता है बोलिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर बोलते हैं ना आप, वो क्या होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलेंगे कोई, पर यूनिट मटेरियल कितना लगता है 20 का, इनटू कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 लाख, आंसर कितना आएगा 60 लाख, करेक्ट, 20 × 3 लाख दैट इज 60 लाख रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आएगा ऐड करके डायरेक्ट लेबर कितना है पर यूनिट 5 × 3 लाख कितना 15 लाख, एड सर प्राइम कॉस्ट निकाल लो सर, जरूरत नहीं है अपने को, अगर प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर कुछ निकलता तो नो डाउट मैं प्राइम कॉस्ट भी लिखता है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्टली ऐड कर देंगे ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स में बोला ही नहीं है कि फैक्ट्री है, सेलिंग है, एडमिन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब सभी है इसमें, ठीक है। पर यूनिट कितना 15 × 3 लाख, आंसर 45 लाख, टेक टोटल क्या बुलाएंगे आप इसको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 1 करोड़ 20 लाख फ्रेंड्स, 1 करोड़ 20 लाख। बट अब आपको इसी को बुलाना होगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्यों, कुछ भी नहीं दिया ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, खैर तुम इधर निकालने वाले हो वैसे भी, ये मेन आंसर में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकलने वाला है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकल रहा है WIP निकलेगा, वैसे फिनिश गुड्स निकलेगा। बट कहीं पर भी बोला नहीं है क्वेश्चन में कि ये न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, अगर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होता तो क्या होता सर, ओपनिंग स्टॉक इज टेकन एज 0, करेक्ट, न्यूली फॉर्म तो है नहीं, तो हम अज्यूम करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देयरफॉर COGS
अलग से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐड भी वही नंबर होगा और लेस भी वही नंबर होगा। क्या करते हैं हम लोग, याद है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐड और लेस भी अगर सेम नंबर होंगे तो ये जो 1,20,00,000 है वही आएगा ना, तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुलाएंगे, इसी को मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स बुला रहा हूं। क्यों? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स में इंक्लूडेड रहेंगे ना, इसलिए मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बुला रहा हूं। समझा कि नहीं? क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या कि इतना परसेंट क्रेडिट सेल्स है, उतना कैश सेल्स है, ऐसा कुछ बोला है? नहीं। तो यहां पर हम इस टेबल को क्लोज कर सकते हैं। एक्चुअली सर सेल्स निकाल लेते थे प्रॉफिट ऐड करके, जरूरत नहीं है। क्यों? यहां पर आप जो डेटर निकालते हो ना, डेटर वो अपना पूरे सिलेबस का डेटर अलग होता है और यहां का डेटर अलग होता है। आई विल एक्सप्लेन जब मैं डेटर निकालूंगा तब। अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले वो जो तुम्हारा रॉ मटेरियल का स्टॉक है, वो बेसिस कितना बोला आपने? 2 मंथ्स। ठीक है, ये मेरा पूरे साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, मतलब ये मेरे फैक्ट्री में पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल लगने वाला है वो 60 लाख है। तो तुम पर मंथ कितना निकाल सकते हो? क्या कितना? 12 करके 5 लाख आएगा। अब 2 महीने का कितना लगता है वो निकाल सकते हो? Into 2 करके 10 लाख आ जाएगा। तो मेरे सामने वाले गोडाउन में, बाजू वाले गोडाउन में रॉ मटेरियल कितना स्टोर्ड है? 10 लाख का, क्योंकि 2 महीने का स्टोर्ड है वहां पर। अगर साल भर में इस फैक्ट्री में 60 लाख का मटेरियल कंज्यूम होने वाला है तो 2 महीने का रिक्वायरमेंट मुझे रखना है बाजू में, मतलब कितना अमाउंट रखना है बाजू में स्टॉक में? 10 लाख का स्टॉक रखना है आपको। समझे कि नहीं? यहां पर प्रोडक्शन 2 महीना चलता रहेगा विदाउट परचेस, उतना स्टॉक उधर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली पूरे साल के अमाउंट को डिवाइड बाय 12 इनटू 2 करने से आएगा आंसर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, बोलिए, 60 लाख डिवाइडेड बाय 12 इनटू 2 कितना आएगा? 10 लाख। जेपा सेकेंड आइटम आता है आपका WIP, जिसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। WIP स्टॉक, हाफ मंथ्स प्रोडक्शन लिख दो इधर, ये अभी भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्टली बोला है कि कितना अमाउंट ऑफ WIP आने वाला है। प्रोडक्शन कॉस्ट रेडी आपके पास कितना है? 1,20,00,000। लीजिए कैलसी पे, 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय कीजिए 12, क्या आ गया? 5 लाख? नहीं, 5 नहीं, 10 लाख। 10 लाख क्या है? पर मंथ प्रोडक्शन कॉस्ट है। अपने को चाहिए हाफ मंथ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो उसको इनटू 0.5 कीजिए, कितना आता है? 5 लाख। तो वो 5 लाख को डायरेक्टली बोल दीजिए वो आपका WIP। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे? बिकॉज WIP विल अप्रोक्सीमेट टू हाफ मंथ प्रोडक्शन, बोला उन्होंने। WIP विल अप्रोक्सीमेट टू हाफ मंथ प्रोडक्शन। समझा क्या? ये केस में कोई डाउट है किसी को? स्ट्रीमिंग में सबको समझ रहा है अच्छे से? ओके, नाउ थर्ड आइटम विल बी फिनिश गुड्स का स्टॉक। व्हाट इज द बेसिस? 1 मंथ। फिनिश गुड्स का स्टॉक द बेसिस इज 1 मंथ। तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किस पे होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही होगा। फिनिश गुड्स जब हम बोलते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होना चाहिए, मतलब वापस से यहां पर आएगा 1,20,00,000 इस बार डिवाइडेड बाय 12, मगर इस बार इंटू 1, तो आंसर आएगा 10 लाख। ऑफकोर्स 5 लाख का डबल आएगा ना। कैलकुलेट क्या करना है, वो हाफ मंथ का अगर 5 लाख है तो 1 मंथ का 10 लाख ही रहेगा। यहां तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को? तो आई वॉज सेइंग दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आई वॉज सेइंग कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पता है, बट मुझे पता नहीं ओपनिंग कितना है। तो मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग अगर 10 लाख है तो ओपनिंग भी 10 लाख ही है। तो 1,20,00,000 के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर एड 10 लाख लेस 10 लाख करेंगे तो आंसर 1,20,00,000 ही आएगा COGS। समझे क्या?
देन वी हैव फोर्थ आइटम दैट इज कॉल्ड डेटर्स। कितना बेसिस है डेटर्स का? 2 मंथ्स। लिटरली तुझे डेटर्स नहीं निकालना है, डेटर नहीं निकालना है तुझे, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। यू आर कैलकुलेटिंग तुझे डे टू डे एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल के तौर पे कितना पैसा रखना है। तो डेटर में फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि मेरा बिजनेस है वाटर बॉटल, ये मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग, ये बॉटल मैं आपको बेचता हूं 8 रुपीज में। आप मेरे कस्टमर हो, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आप मेरे रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर व्हाटएवर, मैं आपको बेच रहा हूं 8 रुपीज में। सपोज मैंने 1 लाख बॉटल बेची आपको, तो आपसे कितना आना बाकी है? 8 लाख्स। एवरीवन आपको लगता है एक बॉटल के पीछे मैंने 8 रुपए इन्वेस्ट किए रहेंगे? ऑफकोर्स नहीं। मेरा प्रॉफिट है इसमें जो मैंने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं है, नोशनल अमाउंट है वो, झेप रहा है कि कुछ? तो फिर ये बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरा है 5 रुपए। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ? 5 रुपए इंटू 1 लाख, मेरा इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 5 लाख की ब्लॉक है ना। तो आई विल से डेटर शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट नॉट एट सेलिंग प्राइस। जेपा कि नहीं? पूरे सिलेबस में तुझे डेटर निकालना रहेगा, रेशियो एनालिसिस वगैरह कहीं पर भी, तो तू ऑब्वियसली सेल्स डिवाइडेड बाय करता है, यहां पर नहीं करेगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यू नीड टू कीप। अंडरस्टूड? तो सेल्स का पैसा नहीं इन्वेस्ट होता है, बिकॉज उसमें एक नोशनल अमाउंट आता है प्रॉफिट जो तू कभी इन्वेस्ट नहीं करता है। झेपा? तो फिर यहां पे आप उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स पर रिकॉग्नाइज करोगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 1 करोड़ 20 लाख। उसको बेस लेकर कैलकुलेशन करोगे। तो लिखिए वहां पर 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया पर मंथ इंटू 2, तो ये आ गया कितना? 20 लाख। झेपा क्या? सबको अच्छे से समझाया क्या? सो एक्चुअली वो डेटर नहीं है, वो वर्क डेटर में कितना इन्वेस्ट हम कर रहे हैं वो है। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है, गिवन कंप्यूटेशन में डैश अमाउंट में कितना? 25,000। ये ले लीजिए आप सब टोटल ए, ये ले लीजिए आप सब टोटल ए, कितना? 45,25,000। एवरीवन अब इसमें से माइनस करना है मुझे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का पहला आइटम आई थिंक पहला और आखिरी यही है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स वगैरह कुछ बोला ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स नहीं बोला है ना, वेजेस बोले है ना, बोले नहीं ना। सिर्फ एक ही चीज दिया है, ट्रेड क्रेडिटर। उसका बेसिस क्या है? 1 मंथ। बोलिए क्रेडिटर्स किस पे निकलना चाहिए? रॉ मटेरियल परचेज्ड पर निकलना चाहिए। रॉ मटेरियल परचेज्ड अलग होता है और कंजम्पशन अलग होता है। आप इनफैक्ट कॉस्टिंग में परचेज से कंजम्पशन निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कंजम्पशन बोलते हो आप। तो कंजम्पशन से परचेज निकाल सकते हैं आप? यस। उल्टा सोचना पड़ेगा, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक विल गिव यू परचेज। कंजम्पशन तो रेडी है अपने पास, कितना कंजम्पशन है? 60 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी रेडी है अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये 10 लाख। मगर ओपनिंग स्टॉक रेडी नहीं है। अपन अज्यूम कर लेंगे रॉ मटेरियल का ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, देयरफॉर कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज हो जाएगा। समझे कि नहीं? ऐसे अजम्पशन सब फेल हो जाते हैं कब? न्यूली फॉर्मड कंपनी के वक्त, क्योंकि उस वक्त दिया है कि ओपनिंग स्टॉक 0 है। बोलते नहीं स्पेसिफिकली, वो लोग न्यूली फॉर्म कंपनी बोल दी, उससे ऊपर और क्या बोले आपको? सब चीजें बोलने लग जाएंगे तो कैसे होगा ना। दिया है क्लियरली न्यूली फॉर्म कंपनी, मतलब ही ओपनिंग स्टॉक 0 है। समझे? तो तब आप ऐसा आप कैलकुलेशन ऐसे लॉजिक्स बिल्कुल नहीं लगाओगे। तब आप ट्रेड क्रेडिटर के लिए क्या करोगे? परचेज कैलकुलेशन करोगे। यहां पर करने की जरूरत नहीं है, यहां पर थोड़ा लाइफ एट ईज है।
आप ले लो सीधा सीधा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला अमाउंट, उसको एज अ परचेज ले रहे हम लोग इधर। कितना अमाउंट है? 60 लाख डिवाइडेड बाय 12 × 1 कितना था है? 5 लाख। एवरीवन, ये आ गया आपका सब टोटल बी। क्यों सर? बिकॉज देर आर नो अदर आइटम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज, तो ये आ जाएगा 5 लाख करंट लाइबिलिटी का अमाउंट। और फिर फाइनली आएगा सी पार्ट। सी क्या रहेगा? नेट वर्किंग कैपिटल, एंड वो रहेगा ए माइनस बी, और उसका अमाउंट कितना आएगा? 40,25,000। आर वी गुड? समझा गया सबको अच्छे से? 40,25,000। इसके अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? देयर अजम्पशंस, अजम्पशंस। क्या क्या अजम्पशन किया हमने? ओपनिंग स्टॉक ऑफ आर एम इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आर एम, राइट? देयर फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका इंपैक्ट क्या हुआ मालूम है आपको? ओपनिंग स्टॉक ऑफ आर एम इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आर एम, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसकी वजह से तेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तेरा रॉ मटेरियल परचेज बन गया। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो, देयर फोर आर एम कंज्यूम्ड इज इक्वल टू आर एम परचेज्ड। ये एग्जाम में नहीं लिखना है आपको ब्रैकेट वाला पार्ट, ये आपके लिए दे रहा हूं ताकि आपको समझे अगली बार किस में चेंज करना है आपको, अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है तो। नेक्स्ट आइटम विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसकी वजह से क्या हुआ मालूम है आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट शीट इमेजिन करने का, प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद ही तो लिखते हो आप, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देयर फॉर सीओजीएस। याद आया क्या कुछ? देन लिख दिया आपने वहां पे, देयर फोर सीओपी इज इक्वल टू सीओजीएस। नेक्स्ट अजम्पशन विल बी ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली, ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली। सर कैन वी अज्यूम ऑल सेल्स एंड परचेज ऑन कैश बेसिस? सर ऑफकोर्स नॉट। फिर वही 1 मंथ 2 मंथ किसका दिया है फिर? ऑब्वियसली ऐसा अजम्पशन नहीं कर सकते ना अपन। और कुछ बचा क्या? दैट्स इट, इतना ही था आपका अजम्पशन इस क्वेश्चन में। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे सॉल्व किया जाता है, हर एक आइटम कैसे कंप्यूटर है, समझा आपको? तो वॉट इज 40,25,000? जितना वर्किंग कैपिटल तुम्हें रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, और किस चीज में कितना मेंटेन करना चाहिए वो भी अपने पास रेडी है। अभी अपन इंश्योर करेंगे कि अपना वर्किंग कैपिटल जो अपन मेंटेन करेंगे कमिंग ईयर में वो इतना रहे। अगर आपने 70-80 लाख का वर्किंग कैपिटल रखा रहेगा तो इंस्टेड ऑफ 40 लाख यू आर कीपिंग 70 लाख वर्किंग कैपिटल। एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल जो आपने रखा है, कंजर्वेटिव नहीं बोलते इसको, मिसमैनेजमेंट बोलते हैं। कंजर्वेटिव क्या रहेगा? 5-10% एक्स्ट्रा रखने का, 20% एक्स्ट्रा रखने का, बहुत हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं उसको, कभी कभी तो क्वेश्चन में देते आपको। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू ऐड 10% टू योर कंप्यूटेड फिगर एज कंटिजेंसी मार्जिन। तो कंप्यूटेड फिगर तेरा क्या है? 40,25,000, उस पर ऐड 10% इज इक्वल टू 45 लाख जो भी आएगा
44,27,000 जो भी आया वो आपका बन जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, समझा? बट वो हो गया कंजर्वेटिव पार्ट। ये अगर मैं बोल रहा हूं कि 40,00,000 रिक्वायर्ड है मगर 70,00,000 रखा है तो ऑब्वियसली जरूरत से बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखा है। वो जो एक्स्ट्रा 30,00,000 ब्लॉक्ड है ना उस पर आरओआई कितना है? जीरो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जीरो है। इनफैक्ट आपने जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखा रहेगा। आपको स्टॉक कितने की रिक्वायरमेंट है? 10,00,000 का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, आपने रख दिया 30,00,000। तो ये जो 20,00,000 एक्स्ट्रा ब्लॉकेज इन वर्किंग कैपिटल है ना, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो जीरो ही है क्योंकि पड़ा है स्टॉक। इनफैक्ट कॉस्टिंग की भाषा में तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट चल रहा है, समझा कि नहीं? और एफएम की भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स? सी, मार्क्स मत सोचो, सिर्फ क्वेश्चन को आंसर करना मत सोचो, उसका ओवरऑल नॉलेज अगर रहेगा ना तो वैसे भी आप सॉल्व कर लोगे इसको, समझा कि नहीं? तो दिस इज द केस। सपोज फॉर एग्जाम्पल 40,00,000 25 की जगह आपने 35,00,000 37,00,000 रख दिया वर्किंग कैपिटल, तो ये अग्रेसिव पॉलिसी है। मगर आपने अगर 20,00,000 25,00,000 रखा रहेगा तो ये वापस से मिसमैनेजमेंट हो गया। इससे क्या दिक्कत होती है मालूम है आपको? गुडविल खराब होता है फर्म का, रेपुटेशन खराब होता है फर्म का, क्योंकि करंट लायबिलिटीज ज्यादा और करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, करंट रेशियो बिगड़ जाएगा आपका, रेशियो एनालिसिस के मुताबिक करंट रेशियो बिगड़ जाएगा आपका। एंड एट द सेम टाइम आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स प्रॉपरली नहीं होगा। फिक्स एसेट्स यूटिलाइजेशन, अपन तो वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। कैसे? प्रोडक्शन क्यों कम होगा? रॉ मटेरियल नहीं रहेगा। आप इमेजिन कीजिए, आपका 40,00,000 की जगह आपने 20,00,000 25,00,000 का अगर ये रखा रहेगा वर्किंग कैपिटल, तो आपका वो 10,00,000 का रॉ मटेरियल की जगह आपने कितना रखा रहेगा? 5-6,00,000 का रॉ मटेरियल रखा रहेगा। 10,00,000 का रिक्वायरमेंट था, 5-6,00,000 ही है। इसका मतलब कभी ना कभी तो ऐसा फेज आएगा जहां पर तुम्हारा शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा। तब क्या होगा मालूम है? फैक्ट्री को ताला रहेगा, इतने बड़े बड़े सेटअप पूरा अनयूटिलाइज रहेगा, जस्ट बिकॉज यू आर मिसमैनेजिंग योर वर्किंग कैपिटल। पूरा सेटअप अनयूटिलाइज, दैट मींस यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज योर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपरली। टू यूटिलाइज फिक्स एसेट्स प्रॉपरली यू नीड टू मैनेज वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली। दो वर्किंग कैपिटल इज सीए माइनस सीएल, बट उसका यूटिलाइजेशन एफए के साथ भी है फिक्स एसेट्स, समझे कि नहीं? यहां तक का पार्ट क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग, जहां पर ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, वो क्वेश्चन पर जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है क्वेश्चन 3 में? अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, मतलब क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक इज गिवन दैट इट इज जीरो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम एंड एफजी इज इक्वल टू जीरो, लिखो वहां पर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम एंड एफजी, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, जीरो। Has applied to a commercial bank for the first time for financing its working capital requirement. The following information is available about the projection of the current year. Level of activity, 1,04,000 completed units of production plus ko double underline karo, 4,000 units of WIP. Last question pe aur isme difference hai. Wahan par bola tha compute working capital estimation on the basis of activity kitna, 3,00,000 units completed units. WIP kuch nahi bola unhone alag se. यहां पर बोला एस्टिमेशन के वक्त WIP भी कंसीडर करो अलग से। लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब बेस, हमारा बेस। हमारा बेस अगर सिर्फ फिनिश गुड्स रहेगा तो हम लोग सिर्फ फिनिश गुड्स में लगने वाली चीजें देखते हैं,
बट अगर हमारे बेस में बोला है WIP भी कंसीडर करो, इसका मतलब फिनिश गुड्स के साथ साथ WIP में कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। यू विल अंडरस्टैंड इधर अलग क्या होगा। अभी बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटी लेवल इट इज एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट इज रॉ मटेरियल एक यूनिट बनाने के लिए 80 रुपीज का लगता है, डायरेक्ट वेजेस 30 रुपीज के लगते हैं, ओवरहेड 60 रुपीज के लगते हैं, टोटल कॉस्ट 170 रुपीज का लगता है, सेलिंग प्राइस आपका 200 है, रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज 4 वीक्स कंजम्पशन, WOP अज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो ब्रैकेट में जो लिखा है ये अपना नॉर्मल अजम्पशन है। यस, तो 100-50-50 लेना है आपको। फिनिश गुड्स का बेसिस क्या दिया है, 8,000 यूनिट्स, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 4 वीक्स बोला है, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 8 वीक्स बोला है, लैग मतलब डीले, डीले इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक बोला है, ठीक है। कैश एट बैंक फॉर स्मूथ ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000, ये फेवरेट आइटम है, ये हर वक्त दिया रहता है। अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर 52 वीक्स, तो आपका प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर 52 वीक्स सेम चलेगा, एवरी वीक सेम चलेगा। वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रूज सिमिलरली, दिस इज सबसे होपलेस स्टेटमेंट बट सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बगैर कैलकुलेशन नहीं हो सकते, होपलेस है बिकॉज इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आंसर पे नहीं आता। वो जो आप लिखते हो ना आउटस्टैंडिंग, ये वेजेस का अमाउंट है सपोज, तो आप कैसे निकालते हो वेजेस की आउटस्टैंडिंग को, पूरे साल की वेजेस को आप क्या करते हो बोलो, पूरे साल की वेजेस को आप डिवाइड बाय 52 करोगे, इनटू 1.5 करोगे, तो डिवाइडेड बाय 52 जो तुम कर रहे हो ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, वेजेस आर एक्रूइंग सिमिलरली, एवरी वीक वेजेस इज सेम, इसका मीनिंग क्या हुआ, एवरी वीक वेजेस सेम, देयरफॉर यू आर अलाउड टू डिवाइड बाय 52 टू गेट पर वीक वेज, समझा। बट वेजेस एंड ओवर इज एक्रूइंग सिमिलरली डज नॉट मीन दे आर आउटस्टैंडिंग सेम, नो, इट डज नॉट मीन दे आर आउटस्टैंडिंग सेम, इनफैक्ट दिस स्टेटमेंट हैज नथिंग टू डू विद आउटस्टैंडिंग। क्यों, आउटस्टैंडिंग किस पर डिपेंड करता है, तू पेमेंट कब करता है, अंडरस्टूड कुछ, आउटस्टैंडिंग उस पर नहीं डिपेंड करता है कि वो एक्रू कैसे हो रहा है, एक्रू तो इवनली होता है एवरीवेयर, यू डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 52 वो तो एक्रू इवनली हो रहा है, बट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट डिपेंड्स ऑन तू पेमेंट कब कर रहा है। तो उन्होंने वेजेस का आउटस्टैंडिंग दिया है तुमको 1.5 वीक, बट ओवरहेड्स का आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं दिया, कितना लोगे आप, कुछ नहीं लेंगे, 1.5 मत बोलो, कुछ नहीं लोगे आप, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि वेजेस का ओवरहेड्स का डिले कहीं नहीं दिया, सिर्फ वेजेस का डिले दिया है, समझे कि नहीं। सर हमको लगा था वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू सिमिलरली, मतलब सर वो सेम ही पेमेंट होता है, ऐसे गेस वर्क मत करो, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूअल, ड्यू होना, आउटस्टैंडिंग अलग होता है और ड्यू होना अलग होता है, ड्यू एवरी डे हो रहा है बट पेमेंट जब होगा उसके हिसाब से आउटस्टैंडिंग आएगा ना, झेपा कि नहीं। सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली, तो ये अजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड आउट द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, करे सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त मजा आएगा और आपको रिलेट होगा कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अभी स्टेटमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लास्ट कॉलम विल बी अमाउंट, उसके पहले थोड़ा बड़ा कॉलम कंपटीशन रहेगा, इतना बड़ा ले लेते कंपटीशन और ये ले लेंगे बेसिस,
रेडी एवरीबॉडी, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे, बोलिए, करंट एसेट्स। पहला आइटम रॉ मटेरियल स्टॉक। व्हाट इज द बेसिस गिवन? रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक, एवरेज 4 वीक कंजम्पशन बोला उन्होंने, तो 4 वीक आएगा इधर, 4 वीक। फॉर्मेट बना लेते पहले पूरा, यू विल बी कंफर्टेबल मेकिंग द फॉर्मेट फर्स्ट, राइट? देयर सेकेंड आइटम विल बी WIP स्टॉक, WIP स्टॉक, WIP assume 50% completion stage with respect to conversion cost, material issued at the start of processing. But कितना WIP? 1 महीना, आधा महीना, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, मगर ऊपर ऊपर आपको 4000 यूनिट्स बोला हुआ है, तो वो लेना पड़ेगा आपको 4000 यूनिट्स। इसका मतलब इस फैक्ट्री में जब भी आप एंटर करोगे आपको 4000 यूनिट्स इन प्रोसेस मिलते हैं, करेक्ट? 4000 यूनिट्स। इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट टू, टू क्यू, 1 विल बी कॉस्ट शीट, 2 विल बी WIP, ठीक है। थर्ड, फिनिश गुड स्टॉक, व्हाट इज द बेसिस? 8000 यूनिट्स। फिनिश गुड्स का यूनिट्स कितना बोला है? 8000 यूनिट्स। फोर्थ आइटम विल बी डेटर्स। डेटर्स के लिए क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स कितना है? 8 वीक्स, ऑल ऑफ यू, 8 वीक्स डेटर्स। फिफ्थ आइटम विल बी कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस, और वो कितना गिवन है? 25,000। और कोई प्रीपेड एसेट, कोई एडवांस टैक्स कुछ बोला है क्या? नहीं ना, तो इधर सब टोटल ए लिख दीजिए, सब टोटल ए। बी विल बी करंट लायबिलिटीज, उसमें पहला आइटम, बोलिए दोस्तों, ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स, व्हाट इज द बेसिस गिवन? 4 वीक्स। देन यू हैव नेक्स्ट आइटम, दैट इज, अच्छा इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा 1/3, क्यों? फर्स्ट विल बी कॉस्ट शीट, सेकंड विल बी WIP। यहां पर ट्रेड क्रेडिटर के लिए वर्किंग नोट बनेगा बिकॉज आपको निकालने पड़ेंगे परचेसेस। क्यों निकालने पड़ेंगे? मगर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी ओपनिंग स्टॉक इज गिवन दैट इट इज जीरो। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, राइट? फुल वर्डिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना वेजेस आउटस्टैंडिंग है? 1.5 वीक्स, दैट्स इट। और कुछ है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह कुछ बोला है? अच्छा, आउटस्टैंडिंग ओवर इज लेंगे क्या आप? नहीं, तो यहां पर आप सब टोटल बी ले सकते हो, दिस विल बी योर सब टोटल बी। एंड फाइनली नेट वर्किंग कैपिटल विल बी ए माइनस बी। ये आपका फाइनल आंसर इधर आएगा। यू मे क्लोज द टेबल नाउ, लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट 1, टेल मी फ्रेंड्स, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट फॉर प्रोडक्शन लेवल ऑफ वॉट? 1,04,000 यूनिट्स
ऑफ आउटपुट, 1,04,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, क्योंकि ये कॉस्ट शीट है तो सिंपल पर्टिकुलर रुपीज अमाउंट, पर्टिकुलर रुपीज आएगा. टेल मी, बोलिए. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फटाफट मुझे आपकी तरफ से आंसर चाहिए, सब की तरफ से एक्टिवली. पहला पर यूनिट बोलिए, 80 इंटू 1,04,000 यूनिट्स कितना होता है? 83,20,000. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद ऐड होगा डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस वो कितने हैं? पर यूनिट 30 है, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 1,04,000 है, तो 30 इनटू 1,04,000 फ्रेंड्स 31,20,000 माय फ्रेंड्स, करेक्ट. 31,20,000 एड, इसके साथ साथ ओवरहेड्स भी ऐड होगा. ओवरहेड्स एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट वैसे भी अपन लेते नहीं अभी फिलहाल के लिए, बाद में आएगा तब बात करेंगे, करेक्ट. तो ओवरहेड्स पर यूनिट कितना? 60 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 1,04,000. बोलिए अमाउंट, 62,40,000. दैट गिव्स मी टोटल कितना? 1,76,80,000. What is this? Total cost of production. Everybody. Total cost of production आ गया ये आपका. Right? यहां तक कोई doubt? अच्छा, आप में से कोई पूछा नहीं, मुझे लगा पूछेंगे but कोई पूछा नहीं. WIP add less क्यों नहीं होता इधर? क्योंकि उसके लिए सेपरेट वर्किंग नोट बनता है. यहां पर हेडिंग पढ़ लीजिए, प्रोडक्शन लेवल ऑफ ओनली 1,04,000 के बारे में बात चल रही है, ठीक है, और उसका इंपैक्ट वैसे भी मेन आंसर में आता है. दूसरी बात, यहां पर अब आएगा ऐड कर ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स, एंड लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. एफ जी आर एम ये लिखना अलाउड नहीं है एग्जाम में. मैं चार्टर्ड, मैं कुछ भी लिखेगा, तुम लिखो प्रॉपर फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल सब कुछ, ठीक है. बताइए अभी ओपनिंग स्टॉक क्या? जीरो, ब्रैकेट में लिख दीजिए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी इसलिए जीरो लिया. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना आएगा? 8,000 तो यूनिट्स है तुम्हारे. यस, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1,76,80,000 लेना है, उसको डिवाइड बाय उतना पैसा खर्च करके आपको कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है? 1,04,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, इनटू कितने यूनिट स्टॉक में? 8,000 यूनिट स्टॉक में, 8,000 यूनिट स्टॉक में है, तो इसका आंसर आएगा 13,60,000. इसको मैं और इजी तरीके से निकाल सकता था, 170 इनटू कर सकता था, बट नहीं करने वाला हूं मैं ऐसे मेथड्स यूज करता हूं जो हर क्वेश्चन में फिट होना चाहिए, तो इधर फिट हो रहा है बट अगली बार नहीं फिट होगा, इसलिए यही मेथड की आदत डालो, ठीक है. आ गया 13,60,000. चलिए लेस कीजिए और निकाल लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 1,63,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
क्या हम इसे COS बुला सकते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यस और नो, यस और नो, यस, बिकॉज ओवरहेड्स एक जनरल वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब वो ओवरहेड्स में हमारा सब कुछ, सेलिंग वगैरह सब ओवरहेड्स इंक्लूडेड है, ठीक है, तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आप बुला सकते हो। अब इसमें से कुछ कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का कोई बाइफरकेशन है क्या, नहीं है, तो फिर ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल बोला है, इसलिए इसी को हम बेस लेकर क्या निकालने वाले, डेटर्स, करेक्ट, तो इसलिए इस टेबल को यहां पर हम क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा कॉस्ट शीट बना। डेटर्स कॉस्ट पे लेते हैं, प्रॉफिट्स के बगैर वाले कॉस्ट पे लेते हैं, सिर्फ एक सिचुएशन में डेटर्स सेल्स पे लेंगे, इधर अगर क्वेश्चन में बोला है डेटर्स 2 मंथ सेल्स, 1 मंथ सेल्स, क्वेश्चन ही बोल रहा है तेरा डेटर्स सेल्स पे लेना है तो ही तू सेल्स पे लेगा, समझे। अब आ जाओ WIP के वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट 2, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, बोलिए पहला आइटम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, किस चीज में कंज्यूम्ड है वो, WIP में, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन WIP, तो आपका 4000 यूनिट्स है इनटू पर यूनिट 80 इनटू, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है इसलिए 100%, करेक्ट, कितना आता है, 3,20,000, एड डायरेक्ट वेजेस, कभी आप लेबर लिखते कभी वेजेस, जो क्वेश्चन बोला वो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, जो क्वेश्चन बोला वो, ठीक है, 4000 यूनिट्स इनटू 30 इनटू 50%, करेक्ट, कितना आता है, 60,000, उसके बाद ऐड होगा ओवरहेड्स, 4000 यूनिट्स इनटू 60 इनटू 50%, कितना, 1,20,000 ना, समझ रहा है ना, ओवरहेड्स तो नहीं जा रहा है ना, देयर फॉर WIP स्टॉक कितना, 5 लाख, देयर फॉर WIP स्टॉक कितना आया, 5 लाख, गो टू मेन आंसर, सीधा वर्किंग नोट 2, यहां पे लिखा था WIP स्टॉक, उसके सामने लिख दो 5 लाख, लिखा गया। अब जरा रॉ मटेरियल स्टॉक के सामने आना, रॉ मटेरियल स्टॉक के अब तक जरा कॉस्ट शीट को देख के बताओ कि आपका फिनिश गुड्स में कितने का कंजम्पशन हुआ है, रॉ मटेरियल का 83,20,000 का हुआ है, प्लस वर्किंग नोट 2 देखिए WIP में कितना कंजम्पशन हुआ है, कितना, 3,20,000, कहने से 86,40,000 मेरा टोटल कंजम्पशन है, उसको मैंने क्या करना चाहिए, डिवाइडेड बाय 52 एंड दिस ब्रैकेट इनटू 4 हो जाएगा, समझा कि नहीं, दिस ब्रैकेट इनटू 4 हो जाएगा, सब लोग समझ रहे हैं क्या सर, ऐसा इस क्वेश्चन में क्यों किया सर, बिकॉज यहां पर लेवल ऑफ एक्टिविटी में बोला है कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस WIP लो, तो जितना रॉ मटेरियल WIP में गया वो भी ऐड करना पड़ता है,
जितने वेजेस WIP में लगे वो भी ऐड करने पड़ेंगे जब नीचे आप आउटस्टैंडिंग वेजेस निकालोगे तब। साथ ही साथ एक साथ कर देंगे तो और समझ जाएगा। इसका आंसर बताइए कितना आता है? 66 लाख 64,615। एवरीबॉडी, अब जरा जरा वेजेस पे आते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस पे आते हैं। कॉस्टशीट पे देखिए वेजेस कितने हैं। कॉस्टशीट में वेजेस मुझे दिख रहे हैं 31,20,000, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं 31,20,000 प्लस WIP के वर्किंग में वेजेस कितने 60,000 है। मिला क्या सबको? WIP का वेजेस 60,000, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 52 करेंगे, पर वीक आ गया। अब इसको ब्रैकेट को इनटू क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट इनटू 1.5 कर देंगे, आपका आंसर आता है कितना 91,731। आई होप यू अंडरस्टूड, मैंने जानबूझ के वो दोनों एक साथ सॉल्व कराया आपसे, ठीक है सर? ऐसे हर बार लेने का क्या? बिल्कुल नहीं। जब लेवल ऑफ एक्टिविटी में कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस WIP बोला तभी ऐसा होगा, अदरवाइज पहला ही नंबर आएगा सिर्फ 31,20,000 और ऊपर भी पहला ही नंबर आएगा 83,20,000। जेपा नाउ फिनिश गुड्स का स्टॉक, कैन आई से वर्किंग नोट वन में रेडी है और अमाउंट बोलेंगे आप मुझे फिनिश गुड्स के स्टॉक का कितना अमाउंट है? 13,60,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल स्टॉक अलग होता है, फिनिश गुड्स अलग होता है। तो आपका ये फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है जो आपने ऑलरेडी कहां रेडी किया है, वर्किंग नोट वन में रेडी किया है। देख लीजिए आपने वर्किंग नोट वन में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मिला? अब डेटर्स किस पे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो अमाउंट सेम है, वो बात अलग है, ठीक है? कितना अमाउंट कितना है? 1,63,20,000। तो यहां पर लिखेंगे आप 1,63,20,000 को डिवाइडेड बाय 52 × 8 करेंगे। सर इसमें WIP नहीं ऐड होता क्या? सर कैसे रे, आधी अधूरी गुड्स डेटर को भेजेगा क्या तू? इसमें डेटर का क्या मतलब, WIP का क्या लॉजिक रहेगा? ना कुछ नहीं। इसका आंसर कितना आएगा? 25,10,769। हो गया। अब आपका सब टोटल ले लीजिए, पहले सब टोटल 50,60,384। चेक कर लीजिए सब लोग, आ रहा है क्या सबका आंसर सेम? 50,60,384। वेरी गुड। अब दोस्तों आपको क्रेडिटर्स निकालने हैं, क्रेडिटर्स के लिए आपको निकालना है परचेसेस, जिसके लिए हम रेडी करेंगे लास्ट वर्किंग, दैट इज वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 कंप्यूटेशन ऑफ परचेसेस एंड क्रेडिटर्स बोलते थे क्या? इधर ही क्रेडिटर निकाल लेते हैं ना, कंप्यूटेशन ऑफ परचेसेस एंड क्रेडिटर्स पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड रुपीस व्हाट इज द लॉजिक ऑफ परचेसेस कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव यू परचेस। ठीक है, तो पहले ले लीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, इसमें दोनों भी कंजम्पशन आएंगे, 83,20,000 वाला फिनिश गुड्स वाला प्लस 3,20,000 है ना, वो 3,20,000 WIP वाला, दैट गिव्स यू टोटल कंजम्पशन कितना, 86,40,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कहां से मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? मेन आंसर में निकाला ना ऑलरेडी अपन ने, ये क्या है, ये फर्स्ट आइटम वही तो है, करेक्ट? सॉरी, मेन आंसर, मेन आंसर का फर्स्ट आइटम 664,615 वाला आइटम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। वो मैंने पूछा भी था आपको, करंट असेट्स में दिखा रहे, मतलब वो कौन सा स्टॉक है, याद आया? सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए तो लिख देंगे मेन आंसर ए का फर्स्ट पार्ट, मेन आंसर ए का फर्स्ट पार्ट 664,615। जनरली स्टूडेंट्स यहां पे क्या मिस्टेक करते, यहां पर वो लोग ले लेते हैं 13,60,000। क्या लेते, समझा क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेते हैं गलती से। आप परचेसेस निकाल रहे हो, फिनिश गुड्स का क्या संबंध? तुम क्या फिनिश गुड्स परचेस कर रहे हो क्या? तुम ट्रेडिंग कंसर्न नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो। यू विल नॉट परचेस फिनिश गुड्स, यू विल परचेस रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम। कितना लोगे? जीरो। क्यों लोगे जीरो? न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, इसलिए एग्जाम में न्यूली फॉर्म्ड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, ये सब मैं आपके लिखाने के लिए लिखा के दे रहा हूं ताकि आपको लास्ट तक लॉजिक पता रहे। क्या मिला आपको? 93,04,615। क्या है? अरे यार ये क्लोज नहीं करना था, ये क्या है? परचेसेस, ये आ गया आपका परचेसेस। तो हम बोलेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स इज इक्वल टू, क्या होगा बोलिए, ट्रेड क्रेडिटर्स इस 93,04,615 को डिवाइडेड बाय 52 कर पर वीक आएगा इनटू 1.5 ना, 4 है क्या, 4 वीक्स करोगे आप, जो कैलकुलेशन ऊपर दिखाना चाहिए मैं नीचे ही दिखा रहा हूं ताकि मेरा स्पेस बराबर मैनेज हो जाए। 7,15,740, वेरी गुड, 7,15,740, दिस इज योर क्रेडिटर्स, टेक दिस इन मेन आंसर, क्लोज योर फाइनल आंसर। क्या है वो? 7,15,740 टोटल कितना आता है ये? 8,07,471। यस वेरी गुड, एंड फाइनल आंसर आपका 42,52,913। 42,52,913 आया क्या आंसर? हैव यू अंडरस्टूड द लॉजिक्स? ये होता है जहां पर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होती है। तो ये एक्चुअली कंप्लीट कंसेप्ट है, इसके आगे भी एक दुनिया है। न्यूली फॉर्म्ड कंपनी फर्स्ट ईयर, मगर 2 साल का आपको वर्किंग कैपिटल पूछा। फर्स्ट ईयर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी जीरो रहेगा, सेकेंड ईयर में स्टॉक कितना रहेगा जो तुम कंप्यूट करोगे ना फर्स्ट ईयर का, वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, और फिर नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन आएगा। अगर फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन गलत तो सेकेंड ईयर पूरा गलत, राइट? और फर्स्ट ईयर करेक्ट तो पूरा सेकेंड ईयर भी करेक्ट आएगा, पूरा आंसर करेक्ट आएगा।
ट्राई करना चाहोगे? एवरीबॉडी कम टू, वो क्वेश्चन भी दिया मैंने अपने नोट्स में, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू पे आइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एलडीआर मार्क कर सकते हैं आप, बिकॉज इसमें सब कंसेप्ट कवर हो जाएंगे आपके लास्ट डे रिवीजन के एंगल से। बहुत अच्छा है ये एलडीआर। आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, फोर्थ क्वेश्चन के सेंटेंस का मीनिंग क्या है ये वाला? वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ एक्रुअल, एक महीने बाद, आउटस्टैंडिंग फॉर वन मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ एक्रुअल, मतलब अगर सपोज ये अभी जनवरी चल रहा है तो फरवरी में वो पे हो जा रहा है, तो एक महीना आउटस्टैंडिंग है। बहुत इजी है, ठीक है। ए पार्ट तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, बी पार्ट सॉल्व करने के लिए आपके पास एक कंसेप्ट की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं एमपीबीएफ। एमपीबीएफ व्हाट इज दैट? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। सीधी आपको नोट्स ऑलरेडी मिल गए मेल पे, आप स्पैम चेक कीजिए, ओके, डोंट वरी। तो ये है आपका एमपीबीएफ का कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पर आप सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं, आपको एक होमवर्क दिया मैंने, क्या? हाँ, एमपीबीएफ कॉन्सेप्ट वैसे भी पहले से ही इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि बैंकिंग के इंडस्ट्री में आज भी वो यूज होता है ना फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। यस, कम टू दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसका पार्ट जितना भी हम सॉल्व कर पाए कर लेंगे, बचे हुए आप कंप्लीट कर देना, ठीक है, क्योंकि मेनली आपको ही सॉल्व कराना है मुझे, मैं सिर्फ सपोर्ट सिस्टम के लिए यहां पर हूं। एबीसी लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक जीरो होता है, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक कंपोनेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन असर्टेन फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट्स विच इज फुल कैपेसिटी। मतलब ये जो नीचे का कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है ये फुल कैपेसिटी 12,000 पे दिया है, ठीक है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 40, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस 20, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 6 रुपीज, डेप्रिसिएशन 10 रुपीज। डेप्रिसिएशन वेरिएबल होता है या फिक्स होता है? फिक्स्ड होता है ऑफकोर्स, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन टाइम नॉट ऑन आउटपुट। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4, टोटल कॉस्ट 80, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 96 एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस रुपीज 5 पर यूनिट, 80% ऑफ विच इज वेरिएबल मीन्स 20% इज अगेन फिक्स्ड। तो 80% ऑफ 5 रुपीज कितना होता है? 4 रुपीज, एंड 20% बन गया 1 रुपी। इन द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशन द प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। फर्स्ट ईयर यू आर प्रोड्यूसिंग हाउ मच? 6,000। यू आर सेलिंग हाउ मच? 5,000। वॉट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी? ऑफकोर्स एफ जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी कितना आएगा? 1,000। सेकेंड ईयर यू आर प्रोड्यूसिंग 9,000, यू आर सेलिंग 8,500, हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक? 1,500, वेरी गुड, नॉट 500। दिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम ओपनिंग स्टॉक फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर यू विल नॉट हैव 9,000 यूनिट्स, यू विल हैव 10,000 यूनिट्स। समझा क्या? यस। तो ये था आपका 1,000 एंड 1,500, ठीक है। ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आगे बोला है, टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑफ मटीरियल 2.25 मंथ्स एवरेज कंजम्पशन, WIP nil, वेरी गुड, वर्किंग नोट बच गया आपका। डेटर्स क्या लिखा है भाई? 1 month एवरेज सेल। अब आपको लेना पड़ेगा सेल्स पर डेटर्स। समझा कि नहीं? आई होप इट इज वेरी क्लियर। जो पहले कंफ्यूजन होता था डेटर किस पे लेते हैं, क्या होता है, आप क्लियर है? देन दे आर सेइंग क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल 1 month एवरेज परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर। कैश बैलेंस ऊपर दिया 10,000। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 1 month एवरेज ऑफ
ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, अंडरलाइन कर लो ऑल एक्सपेंस को, प्रिपेयर फॉर द टू ईयर्स, प्रिपेयर फॉर द टू ईयर्स। क्या प्रिपेयर करना है आपको? प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इग्नोरिंग टैक्सेशन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मतलब और कुछ नहीं, आपका कॉस्ट शीट। तो अब आपको वर्किंग नोट में दिखाने की जरूरत नहीं, मेन आंसर में दिखा दोगे आप। सिर्फ इसको सेल्स तक ले जाओगे आप, उसके दो रीजन है सेल्स तक ले जाने के, उसको दो रीजन से। पहला रीजन है कि उन्होंने पीएनएल स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑब्वियसली सेल्स प्रॉफिट सब कुछ दिखाना पड़ेगा। और दूसरा है कि इस क्वेश्चन में डेटर्स जो है वो सेल्स पे निकल रहे हैं, इसलिए ठीक है। दूसरी बात, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। प्रिपेयर फॉर क्या बोल रहे हो लोग? टू ईयर्स, मतलब ये दोनों साल का बनाना है आपको। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल भी तुझे दोनों साल का रेडी करना है, करे क्या? यस, पहले प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लॉस, बराबर क्या? प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लॉस फॉर फर्स्ट टू ईयर्स, पर्टिकुलर्स ईयर वन एंड बाजू में ईयर टू। यस, सबसे पहले क्या दे रखा है? मटेरियल्स ना। अब ध्यान से सुनना, जो जो एक्सपेंसेस आपके वेरिएबल इन नेचर के रहेंगे वो एट द रेट 40, एट द रेट 20 ऐसे आएंगे, बट जो एक्सपेंसेस आपके फिक्स नेचर के वो ऐसे एट द रेट कभी नहीं आते। एट द रेट 40 वगैरह लिखने का लॉजिक क्या है? क्योंकि दो दो साल है ना, तो आप 40 इंटू वापस फर्स्ट ईयर का अमाउंट, फिर 40 इंटू सेकंड ईयर का अमाउंट, ऐसा नहीं लिख सकते हो। एट द रेट 40 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहेंगे वो एट द रेट 40 20 नहीं लिखा जाता, बिकॉज वो हर साल चेंज नहीं होता है। तो उसका फिक्स्ड अमाउंट जो टोटल का है वो निकाल देना चाहिए वहीं पर, टू अवॉइड मिस्टेक, ठीक है। फिक्स्ड वाले जो एक्सपेंसेस है वो किससे मल्टीप्लाई होंगे? डायरेक्ट 12,000 से मल्टीप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला है क्लियरली कि फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर इज गिवन अज्यूमिंग 12,000 फुल कैपेसिटी, समझे कि नहीं? तो जो फिक्स नेचर करेंगे वो 12,000 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर दोनों जगह सेम आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला आइटम लेते हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स एट द रेट 40 रुपीज पर यूनिट। बोलिए मटेरियल को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्रोडक्शन कॉस्ट सेल्स, क्या प्रोडक्शन? प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में कितना है? 6,000 इंटू 40, 2,40,000। सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन कितना है? 9,000 इंटू 40, 3,60,000। एवरी वन, देन मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस,
एट द रेट 20 पर यूनिट, और इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्शन से। सर ये प्रोडक्शन से क्यों मल्टीप्लाई होता है? बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ये जितना तुम प्रोड्यूस करोगे इसका उसके हिसाब से लगता है। कितना? 20 × 6,000 120,000। सेकेंड ईयर में 20 × 9,000 180,000। गुड वन। फिर इसके बाद आएगा आपका फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। एंड दैट विल बी नथिंग बट 6 × 12,000। मैं ये बात बोल रहा हूं आपको, अगर आपको लगता है एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल ये प्रैक्टिस फॉलो करना पड़ेगा आपको। एट द रेट 6 तो बिल्कुल भी नहीं। कितना होता है ये? 72,000। कौन से साल में? दोनों साल में। फिर इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन, वो भी एक फिक्स कॉस्ट ही है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12,000। तो 10 × 12,000 विच कम्स टू 1,20,000। 1,20,000 विदाउट कैलसी आए क्या? डेप्रिसिएशन के बाद आता है आपका फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फिर से फिक्स्ड नेचर हो गया एडमिन का। फिर से क्या करोगे? 4 × 12,000 दोनों जगह 48,000। 48,000 राइट? राइट माय फ्रेंड्स। नाउ दैट गिव्स मी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच कम्स टू फर्स्ट ईयर में कितना? 4,80,000 नहीं रे, 6 लाख। 480 कैसे होगा बेटा? ये तीन नंबर भी ऐड करूंगा तो उतना हो जाएगा। मैं एंड सेकेंड ईयर में 7,80,000 आ रहे क्या आंसर सबके? ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबका आया क्या? नाउ इससे हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या करना पड़ेगा? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फर्स्ट ईयर में तो 0, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा पहले तो आपको फीफो लीफो वगैरह कुछ तो भी अज्यूम करना पड़ेगा ना। अज्यूमिंग फीफो क्या सर? क्यों? फर्स्ट ईयर में तो प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो सब वही करने वाले। 6 लाख को डिवाइड बाय 6,000 करोगे पर यूनिट आएगा आपका 100। इसको इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स फर्स्ट ईयर में कितने? 1,000। ये सब लोग वही करेंगे, ईयर टू में प्रॉब्लम आएगा। समझा कि नहीं? तो अज्यूमिंग फीफो करेंगे हम लोग। और फिर कैलकुलेशन लिखना है तो वो भी लिख लो। कैलकुलेशन लिखना है क्या आपको? 6 लाख फर्स्ट ईयर के लिए 6 लाख डिवाइडेड बाय कितना प्रोडक्शन है? 6,000 इंटू यूनिट्स कितने बचे हुए? 1,000 यूनिट्स है। तो ये फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन होगा आपका। एंड सेकेंड ईयर के लिए आपका कैलकुलेशन अलग होगा। फर्स्ट ईयर के लिए आपका आंसर कितना आएगा? 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेंड्स 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर। तो एरो देकर उधर लिख दो 1 लाख ओपनिंग स्टॉक। डू यू अग्री? अब दिक्कत है। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज सब मैटर करता है ना, जो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है सब मैटर करता है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं सबसे सिंपल मेथड फीफो। क्वेश्चन में वेटेड एवरेज बोला तो भी सॉल्व करना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन यू वेटेड एवरेज से आंसर क्या आएगा एट द एंड ऑफ द आंसर। ठीक है?
इसी आंसर को वेटेड एवरेज से सॉल्व करेंगे। सेकंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, आई विल एक्सप्लेन एट द एंड। पहले फिलहाल ये समझा, तो अब इस केस में क्या करेंगे बताइए। वो जो फर्स्ट ईयर का 1 लाख रुपीज का 1000 यूनिट्स का स्टॉक था वो तो बिक गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो लास्ट अभी जो 1500 यूनिट्स बचे सेकेंड ईयर के, वो पूरे के पूरे इस प्रोडक्शन कॉस्ट के बचे हुए, करेक्ट है कि नहीं। तो अपन बोलेंगे 780,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए तुमने इतना खर्च करके, 9000 इनटू 1500 यूनिट्स, जेपा क्या एवरीवन। तो फिर इसका आंसर 1,30,000 आता है, और फिर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा कितना आएगा, 5 लाख फर्स्ट ईयर में आएगा, और सेकंड ईयर में 7 लाख, 6 कैसे आएगा, 7,50,000 से वन लाख और 1,30,000 सिली मिस्टेक का चांस एग्जाम में नहीं है। एग्जाम में अपने पहचान के क्वेश्चन कम मिलते, उसमें अपन सिली मिस्टेक नहीं अफोर्ड कर सकते। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरीबॉडी। डेप्रिसिएशन नहीं समझा 12,000 का रूपाली, डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट, 10 रुपए पर यूनिट डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, और आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए आपने, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है तो तुमने 12,000 पे लिया, और 12,000 पे तुमने इसलिए लिया बिकॉज क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट दे रखा है पूरा का पूरा, ये एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट्स कैपेसिटी पर दे रखा है। तो ये जो 10 रुपीज तेरा यहां पर आया, ये अज्यूम, ये लॉजिक क्या है कि 12,000 यूनिट्स रहेंगे तो 10 रुपए पर यूनिट आएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है कॉस्ट, इंफॉर्मेशन हैज बीन असर्टेन फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट्स, समझा कि नहीं। दस रुपए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है, ओके। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बताएंगे आगे, बोलिए क्या लेंगे। एंड सेलिंग एक्सपेंस में भी दो पार्ट है ना, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस एट द रेट क्या लिखू, एट द रेट 4 लिखेंगे, बट पर यूनिट 4 लेंगे, बट ये 4 किस पर अप्लाई होगा, प्रोडक्शन पे या सेल्स पे, सेल्स पे। सेलिंग एक्सपेंसेस बेचने के लिए लगते हैं ना, तो सेल्स पे अप्लाई होगा। तो 4 इंटू इस बार 5000 करना पड़ेगा, 4 इंटू 5000 इज 20,000, एंड 4 इंटू 8500 इज 34,000, करेक्ट, वेरी गुड। ऐड करेंगे फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, वापस से फिक्स्ड आ गया, इसका मतलब 12,000 इंटू 1 करना पड़ेगा, 1 क्यों किया सर, 5 का 20%, 5 रुपए का 20% फिक्स्ड है, तो इसलिए दोनों जगह कितना आएगा, 12,000 12,000 ऑल ऑफ यू, एंड दैट गिव्स मी कॉस्ट ऑफ सेल्स। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स और वो कितना आता है, 5,32,000, 5,32,000, 7,96,000, वेरी गुड, 7,96,000, वंडरफुल। एड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, इसको बैलेंसिंग फिगर रख देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेल्स का फिगर रेडी हो सकता है ना, तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा। देयरफॉर सेल्स क्या बोलेंगे अपन, एट द रेट
96 रुपीज पर यूनिट सेल्स को, ऑब्वियसली 96 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे, तो 96 इंटू 5000 4,80,000, और यहां पर तो मेरा कॉस्ट दिख रहा है 5,32,000, तो देर इज अ लॉस कितने का, 52,000 का लॉस दिख रहा है। एंड सेकेंड केस में आपका सेल्स आ रहा है 96 इंटू 8,500 कितना, 8,16,000। चलो यहां तो प्रॉफिट एटलीस्ट कितने का है, 20,000 का प्रॉफिट है। एवरीवन पूरा वर्किंग समझा है क्या, डेटर किस पे लोगे, सेल्स पे। डेप्रिसिएशन का कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा, जो यहां पर इंक्लूड करके डेप्रिसिएशन आया और बाकी सब चीजें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन थी वो वैसी रहेगी, बिकॉज आप फॉलो कर रहे हो नॉर्मल अप्रोच। डेप्रिसिएशन अलग से निकाला जाएगा, नहीं ट्रीट किया, मतलब कॉस्ट का पार्ट नहीं ट्रीट किया जाएगा अंडर कैश कॉस्ट अप्रोच। कैश कॉस्ट अप्रोच का क्वेश्चन नहीं है, कैश कॉस्ट अप्रोच मैंने सिखाया नहीं अभी तक, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल रहेगा, एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो जिनको पता ही नहीं कैश कॉस्ट अप्रोच क्या है, काइंडली इग्नोर, अपन बाद में बात कर लेंगे कैश कॉस्ट अप्रोच के बारे में। फिलहाल ये समझा अच्छे से, अब इसके बेसिस पर आपको क्या निकालना है, कॉस्ट शीट स्टार्ट, सॉरी वर्किंग कैपिटल डिटरमिनेशन करना है आपको। स्टेटमेंट क्या बोला इन्होंने वर्डिंग में, उसको स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वहां पर लिखिए प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ध्यान से देखो मेरा फॉर्मेट अभी चेंज हो रहा है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बेसिस, बट अब आ जाएगा सीधा ईयर वन और फिर आ जाएगा ईयर टू, दैट्स इट। कंपटीशन कॉलम उड़ा दिया हमने, क्यों, दो दो साल की कैलकुलेशन कैसे दिखाओगे ना आप, इसलिए कंपटीशन कॉलम हमने निकाल दिया। करें सॉल्व, बोलिए यू वांट टू ट्राई, राइट। आई गिव यू एग्जैक्टली 8 मिनट्स टाइम, ठीक है, ट्राई ऑन योर ओन, बिकॉज अगर आप सॉल्व कर रहे हो मतलब ही आपको आ रहा है, मतलब ही सेल्फ स्टडी हो रहा है।
यस बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर रेडी। आपका हो गया रहेगा तो बताइए, मैं आंसर शो करता हूं फिर। किसका चल रहा है अभी तक? तो सबसे पहले आपका मेन आंसर देखिए, मटेरियल का स्टॉक 3 महीने के हिसाब से 3 लाख 4 लाख है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके, आपके नोट्स में के क्वेश्चंस मेरे पास एग्जैक्टली नंबर वाइज नहीं है, तुम डर गए थे ये क्या हो गया ना। हाँ ये ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये बनाया साथ में, बराबर डेटर्स का अमाउंट करेक्ट है क्या? सेल्स पे लेना चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे सेल्स पे लेना चाहिए था। एक मिनट, सेल्स पे ही है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स पे चाहिए अपने को। हाँ ये नहीं है, सेल्स पे चाहिए अपने को, इसको इग्नोर करो। ठीक है, ये आंसर देखो, ये आंसर में सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करो, रॉ मटेरियल स्टॉक करेक्ट है 45 एंड 67,500। व्हाट इज दिस? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है वो, क्या है बोलो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, करेक्ट। फिर उसके बाद डब्ल्यू आई पी गिवन डेट इट इज जीरो, लिखा नहीं तो भी चलेगा आपको ऑब्वियसली एग्जाम में। फिर उसके बाद आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक जो पीएनएल में अपन ने निकाला था साथ में, 1 लाख एंड 1 लाख 30,000, सबने करेक्ट लिखा गया। और उसके बाद डेटर्स जो है, डेटर्स वो सेल्स पे आएंगे, आप सेल्स का नंबर फर्स्ट ईयर का बताएंगे कितना है? 40। अच्छा डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो क्या आप? सेल्स बोल रहे हो, 4 लाख। एडिट क्यों नहीं हो रहा है? ये एडिटेबल नहीं है। मुश्किल है। कोई बात नहीं, डेटर को आप इग्नोर करो, डेटर का कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दूंगा। आप क्रेडिटर चेक करो, आपका क्रेडिटर बराबर है 23,750। परचेसेस निकाला क्या आपने? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितने लोगों ने यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में 1 लाख लिया? नहीं ना, गुड। फिर ये आ गया ओपनिंग स्टॉक जीरो, और फिर ये परचेसेस आया जिसके बेसिस पर आपने अमाउंट ऑफ क्रेडिटर निकाला, करेक्ट है क्या? ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट चेक करो, करेक्ट है क्या? और सेकेंड ईयर का भी करेक्ट है, तो आपका ये क्रेडिटर का अमाउंट आ चुका है, क्रेडिटर की अमाउंट आपने मेन आंसर में लिया इधर, करेक्ट। एंड डेटर के लिए, ये अदर एक्सपेंस के लिए क्या किया आपने? आपने पीएनएल स्टेटमेंट रेफर किया, मटेरियल और डेप्रिसिएशन को छोड़कर बाकी सब एक्सपेंसेस लिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी लिए। क्यों? वो भी एक्सपेंस ही है ना। मटेरियल क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये क्रेडिटर में मटेरियल का इंपैक्ट आ चुका है। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि
क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता है। तो बस बाकी सब एक्सपेंसेस आपने डायरेक्टली ले लिए, इसका टोटल लिया उसको डिवाइड बाय 12 करके ये आंसर आया। सेकेंड ईयर के पूरे एक्सपेंसेस लिए उसका टोटल लिया डिवाइड बाय 12 करके ये आंसर आया। ये 1 मंथ आउटस्टैंडिंग है इसलिए ये दोनों आपका 1 मंथ का फिगर यहां पर ऊपर आ जाएगा, करेक्ट, यहां पे ऊपर आ जाएगा 1 मंथ का फिगर। तो करंट लाइबिलिटी का टोटल करेक्ट है क्या आपका? करेक्ट है ना? यस। द ओनली थिंग इज डेटर इज डिफरेंट ना, ठीक है। डेटर का कैलकुलेशन यहां पर एडिट नहीं हो रहा है। डेटर्स 2 मिनट के लिए सोचते कि अपन यहां पर डेटर को खुद यहां पर चेंज करेंगे सपोज, तो यहां पर चेंज होता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये डेटर को हम लोग किसके बेसिस पे लेंगे बोलो? सेल्स के बेसिस पे लेंगे। ये हमारा सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। सेल्स कितना है हमारा? 4,80,000। दैट डिवाइड बाय 12 × 1, 40,000 आएगा इधर। और सेकेंड ईयर में 3 लाख, नहीं, अमाउंट कैलकुलेशन क्या होगा उसका? 8,16,000 डिवाइड बाय 12 × 1, दैट कम्स टू 68,000 फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये नंबर चेंज हो जाएगा 68 एंड 40, तो यहां पर आ जाएगा 40,000, 40,000, और यहां पे आ जाएगा 68,000। अकॉर्डिंगली ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे आपके और फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा। आपका करंट एसेट का टोटल कितना आता है? 1,95,000। सेकेंड ईयर में 2,75,500 आता है। और आपका फाइनल आंसर फर्स्ट ईयर में 1,48,580,43, वॉट एवर, 3 ना, 583। और सेकेंड ईयर में 214,792 ये आता है आपका आंसर, 214,792। सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया आउटस्टैंडिंग में? सर नॉन कैश आइटम है, वो कभी पेबल ही नहीं हो सकता है ना। नॉन कैश आइटम है, कभी पेबल ही नहीं हो सकता, तो आउटस्टैंडिंग कैसे होगा? आया बात समझ में? किसका गलत दिया ये? 4 लोग, 5 क्यों? परचेसेस, तुम्हारा परचेस, परचेस ऑल एक्सपेंस में मटर भी ले लिया, कितनी बार पेबल दिखाएगा? ऑलरेडी क्रेडिट उसके लिए होता है। तुमने डेप्रिसिएशन लिया, तुमने परचेस गलत था, पीछे परचेस, परचेस में क्या मिस्टेक किया? परचेस ही कंसिडर नहीं, तुमने परचेस में क्या मिस्टेक किया बेटा? छूट गया था गलती से, या तुमने सोचा कि वो पेबल नहीं हो सकता? देखा नहीं था, ओके। ओपनिंग क्लोजिंग गलत कर दिया तुमने, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया। परचेज का लॉजिक क्या है? अगर वो क्लोजिंग में पड़ा है इस साल के, मतलब वो इस बार का परचेज है। अगर वो ओपनिंग में पड़ा था, मतलब वो पिछली बार का परचेज है, तो लेस होगा, ये याद रखना हर बार। इस बार का क्लोजिंग स्टॉक अगर इस बार पड़ा हुआ है, मतलब इस बार का परचेज है वो। और ओपनिंग स्टॉक जो इस बार का है, वो लास्ट ईयर से पड़ा हुआ है ना, मतलब वो पिछली बार का परचेज है, तो वो लेस होता है। आपने क्या मिस्टेक किया परचेज में? कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके। और कोई कुछ फंडामेंटल मिस्टेक कुछ और परचेज में? ओके। मटेरियल, ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में किसने मिस्टेक किया? सिर्फ तुमने, और डेप्रिसिएशन तुमने इंक्लूड कर दिया था। फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब सब फिक्स एक्सपेंस छोड़ दिए थे, फिक्स सेलिंग छोड़ दिया था, छूट गया था इसलिए कि पसंद नहीं था, छूट गया था। यस। तो ये है आपके एक्सीडेंट पॉइंट्स जो आप लोग कर रहे हो अभी, दीज आर नथिंग बट एक्सीडेंट पॉइंट्स, इनको बस टेक केयर करना है आपको। आपका पूरा करेक्ट है, ओके। तो चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एनी डाउट? पूरे आंसर में कोई डाउट है किसी को? डेटर सेल्स पे कब लेते? जब क्वेश्चन में दिया है, अदरवाइज किस पे लेते? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेते हैं,
ठीक है। नाउ फ्रेंड्स कमिंग टू अ सिंपल कॉन्सेप्ट सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द होम एक्सरसाइज क्वेश्चन बी पार्ट ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एज MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। देर वॉज अ कमिटी, देर इज अ कमिटी विच इज कॉल्ड टंडन कमिटी, उनके रिकमेंडेशन थे, उनके बेसिस पर MPBF निकाला जाता है। वॉट इज MPBF? अगर मेरा बिजनेस, आपका बिजनेस है, चलो आपका बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ रहा है, जो भी आप निकाल रहे हो, अभी का आंसर कितना है मैडम? 148,500 एंड समथिंग आया, ठीक है। तो आपको लगता है कि एज अ बिजनेस आपको इसके अगेंस्ट कोई लोन बैंक की तरफ से मिलेगा? मैं बैंक को मिलना चाहिए ना, ये बिजनेस है आपका, आपके बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशन में 1,48,000, मतलब 2 मिनट के लिए सोचते 1,50,000 इन्वेस्ट हो रहा है, नेट वर्किंग कैपिटल लग रहा है, कुछ ना कुछ बैंक की तरफ से तो मिलना चाहिए। तो टंडन कमेटी नाम की कमेटी है, उन्होंने मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकाला, मतलब एक बैंक बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा कितना फाइनेंस दे सकता है फॉर वर्किंग कैपिटल, वो निकाला, ठीक है। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल में अपन करंट एसेट्स का अमाउंट लेते हैं 100। इस करंट एसेट्स 100 में से कोर करंट एसेट, व्हाट इज कोर करंट एसेट? परमानेंट ऑल टाइम रिक्वायर्ड 20 है सपोज, 20, ठीक है, और करंट लायबिलिटी सपोज 40 का है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कितने का हो गया? 60 का हो गया, 100 माइनस 40, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 60 का हो गया, ठीक है। तो ये 60 के वर्किंग कैपिटल के लिए आप बैंक को मतलब मुझे अप्रोच कर रहे हो। तो टंडन कमेटी मुझे क्या बोलता है कि देख पहले वो सामने वाला बिजनेस न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है क्या? मैं बोलूंगा हाँ, आपका बिजनेस न्यूली स्टार्टेड है। तो उस केस में टंडन कमेटी बोलता है फिर तू मेथड वन से इसको फाइनेंस कर, मेथड वन से इसको फाइनेंस कर। मेथड वन क्या है? मेथड वन इज MPBF इज इक्वल टू 75% ऑफ करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब 75% किसका? वर्किंग कैपिटल का। तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक इट विल बी 75% ऑफ 100 माइनस 40, दैट इज 60। तो कितना आता है? 60 का 75% 45, समझा? मतलब तेरा वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड था? 60 का। तो मैं बैंक हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा कितना दूंगा? 45, मतलब खुद के जेब से तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15, ऊपर का 15, 60 माइनस 45, 15 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस 45 इज कॉल्ड एज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, समझा मेथड वन। फिर टंडन कमेटी बोलता है एक बार देख बिजनेस थोड़ा सेटलिंग फेज में आ जाए ना, मतलब थोड़ा बहुत सेल्स आने चालू हो गए और कंसिस्टेंसली थोड़ा आ रहे, अच्छे खासे नहीं है, बहुत ज्यादा तगड़े सेल्स नहीं है, मगर अच्छे खासे सेल्स है और कंसिस्टेंट बेसिस पर आ रहे हैं, मतलब बिजनेस सेटलिंग फेज में आ रहा है, तो ग्रेजुअली उस बिजनेस को मेथड टू पे शिफ्ट कर। तो मेथड टू क्या है MPBF का? अब मेरा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस क्या रहेगा? बैंक मतलब मैं तुमको बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे करंट एसेट्स के 75% देने को तैयार हूं, ठीक है। वो कितना होता है? 75% ऑफ 100 होता है, बट मैं देख रहा हूं कि तुम्हें मार्केट से करंट लायबिलिटी ऑलरेडी मिल चुका है एज अ फाइनेंस, करंट लायबिलिटी एज अ फाइनेंस समझता है ना, वो भी तो पेबल अमाउंट है ना तेरा। तो कितना पेबल है मार्केट में तेरा? 40 पेबल है, तो मैं 40 लेस कर तुझे फाइनेंसिंग करूंगा। तो 75 माइनस 40 कर जो बचा हुआ है वो फाइनेंसिंग होगा, कितना हुआ? 35। तो मेथड टू के हिसाब से 35 का फंडिंग हो गया, मतलब मेथड टू में क्या हो रहा है? बैंक अपना फाइनेंसिंग कम कर रहा है, तो ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा धीरे धीरे। मैं आपको आपके पैसों पर खड़ा कर रहा हूं एज अ बैंक, अकॉर्डिंग टू टंडन कमेटी रिकमेंडेशन। मैं क्या कर रहा हूं? तुमको सेल्फ रिलायंट बना रहा हूं, सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर, करेक्ट। नाउ ये लॉजिक क्या था सर मेथड टू का? मेथड टू का लॉजिक था कि बैंक आपको करंट एसेट्स का कितना देने को तैयार था? 75%, बट बैंक देख रहा है कि तुम्हें ऑलरेडी मार्केट में पेबल कितना है? 40, तो उतना तो तुमको फाइनेंसिंग मार्केट से मिला है ना, उतना तो पेबल है मार्केट में, मतलब तुम्हारा पेबल है, मतलब तुमको उतना फाइनेंस मार्केट से मिला है। तो मार्केट का फाइनेंसिंग लेस करने के बाद मैं जितना दे सकता हूं वो बता रहा हूं। अब उसके बाद टंडन कमेटी बोलता है जब बिजनेस फुल्ली सेटल्ड हो जाए ना,
तो ग्रेजुअली मेथड थ्री पे शिफ्ट कर देना चाहिए बिजनेस को। फुल्ली सेटल मतलब अच्छे खासे सेल, तगड़े सेल है और कंसिस्टेंटली आ रहे हैं मार्केट में, गुडविल रेपुटेशन सब हो चुका है। तो फिर अब एक्चुअली देखा जाए तो तुमको बैंक फाइनेंसिंग की एज सच बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे केस में बैंक बोलेगा, मतलब मैं बोलूंगा तुम्हें कि आई विल गिव यू 75% ऑफ ओनली फ्लक्चुएटिंग करंट असेट्स। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं इन शॉर्ट कि वो जो परमानेंट वाला वर्किंग कैपिटल है ना, वो तू तेरा फाइनेंसिंग खुद कर, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम इन द बिजनेस। इफ इट इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम इन द बिजनेस, व्हाई आर यू अप्रोचिंग बैंक? फाइनेंस योर सेल्फ। समझा कि नहीं? तो फ्लक्चुएटिंग करंट असेट्स कैसे निकलेगा? 100 का करंट असेट से माइनस परमानेंट कितने का है? 20। वो मैं फाइनेंस करने को तैयार नहीं हूं। 80 का मैं तुझे कितना देने को तैयार था? 75%। वो कितना होता है? 60 होता है ना। तो मैं 60 देने को तैयार था, मगर मैं देख रहा हूं कि मार्केट में ऑलरेडी तेरा पेबल कितना है? 40। मतलब तुझे बाहर से फाइनेंसिंग कितना मिला है? 40 का। तो मैं लेस कर दूंगा और फिर कितना फाइनेंस करूंगा? सिर्फ 20 का करूंगा। अब थर्ड मेथड में तो ऐसा हो गया कि तुम वर्किंग कैपिटल 60 में से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो? 40। और बैंक कितना दे रहा है? सिर्फ 20। मतलब लास्ट मेथड में तो बैंक ने आपको एज गुड एज इंडिपेंडेंट बना दिया ना। समझा कि नहीं? ये एमपीबीएफ के तीन मेथड्स का लॉजिक था और ये एमपीबीएफ का तीन मेथड्स है। अंडरस्टूड? तीनों मेथड समझे अच्छे से? मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। तो अब क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे कि आज का होम एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कैसा है, आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है पहले। मतलब आप करंट एसेट्स निकालोगे सब टोटल ए, करंट लायबिलिटी निकालोगे सब टोटल बी, और ए माइनस बी नेट वर्किंग कैपिटल निकालोगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया रहेगा कोर करंट एसेट। क्या दिया रहेगा? कोर करंट एसेट, मतलब ये वाला पार्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये तुम्हारे आंसर सब टोटल ए है, ये तुम्हारा आंसर सब टोटल बी है, और तुमको टंडन कमेटी के तीनों मेथड से एमपीबीएफ भी निकालना है। अगर आंसर में ए और बी गलत गया तो टंडन कमेटी के मेथड्स के सब आंसर भी गलत जाएंगे, और अगर एक ए और बी करेक्ट है तो सब करेक्ट आएगा। समझ गए? लेट्स सी, लिख लो। ये आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया है, वैसे तो पेज नंबर, यहां के पेज नंबर ही हट गया एक्चुअली, प्रॉब्लम्स के जस्ट पहले दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ लिखना, ये लिख लो। हम लोग इस पर ये डिस्कशन क्लोज कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ है। सिर्फ एक डिस्कशन, दो डिस्कशन बाकी है। एक ऑपरेटिंग साइकिल का डिस्कशन बाकी है, एक कैश कॉस्ट अप्रोच का बाकी है, एक सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट का बाकी है। ये तीन डिस्कशन कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल रिमाइंड मी अबाउट दिस थ्री पॉइंट्स टुमारो। पहला सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट, दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल, तीसरा कैश कॉस्ट अप्रोच। नवंबर 22 में इस पे क्वेश्चन आया था एमपीबीएफ पर। कुछ लोग बोल रहे थे आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस कैसे रहेगा ना, ये तो ऑब्वियसली अपने हर बैच में अपने मेन नोट्स में कवर्ड है, सब जगह कवर्ड है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी मैं ये पढ़ाता हूँ, रेगुलर नोट्स में तो पढ़ाता ही हूँ ऑब्वियसली, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी और बूस्टर में भी अपन कवर कर रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से हो सकता है? Shall we stop? Okay. Let's continue tomorrow, friends. Bye bye. See you. लिख लिया क्या ये अच्छे से?